इंटरव्यू के लिए एक लड़की आपसे मिलने आई। तो आने दे उसे। सर, हेलो सर। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त चीज बड़ी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बैठो। थैंक यू सर। हाँ बोलो। क्या सर, आप भी? औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए साड़ी पहनती है, और आपने उस साड़ी के ऊपर पेंटिंग बनाई हुई है। मेरे बारे में जानकर ही तुम यहाँ आई हो ना? आप एक विमनाइजर हैं, सुना है मैंने। विमनाइजर बनने के बाद गुंडे बने, या फिर गुंडे बनने के बाद विमनाइजर बने आप? वो एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। मेरी कुछ 16 साल की उम्र होगी, समझो कि जवानी की दहलीज पर ही था मैं। मेरे पड़ोस के घर में एक सुंदर सी लड़की हुआ करती थी, तुम्हारी तरह। वो मुझ पर लाइन देती थी, मैं उस पर लाइन देता था। वो देखकर हंसती थी, मैं उसे देखकर हंसता था। तो मैं उसे कैसे छोड़ता? उसी रात को मैं उसके घर में घुस गया। मेरे बाजू में आकर खड़ी हुई, उसी समय मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही उसने भी अपना हाथ छोड़ाया था। तो मैं क्या करता, मैं भी उसके थोड़े पास जाकर माथे से लटों को हटाया, उसके लबों को पकड़कर एक फ्रेंच किस। आखिर तूने अपना कमीनापन दिखा ही दिया है ना? मैं हमेशा अपनी हिफाजत के लिए गन रखती हूँ, मार डालूंगी। तुझे पैदा करने वाली भी एक औरत ही है, औरतों पर बुरी नजर डालता है। तेरे जैसे लोग समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। ए! चल, अभी तुझे पुलिस के हवाले करके सजा दिलवाती हूँ, चल। अरे तुम दूसरे गिलास में क्यों नहीं पीती हो? ए, तेरे को पता नहीं दारू के गिलास में फिर क्यों दिया इसे? अरे तुम मुझे इसी गिलास में चाय पिला देना, ठीक है? और अभी ठेले का पैसा निकाल, अगले हफ्ते ले ले। वीरदास ने भी ऐसे ही किया, भगा दिया उसे। धमकी किसको दे रहा है? जब पैसा मांगता था नाटक करता था, फिर मैंने उसे अपनी मर्दानगी दिखाई, धूम दबा कर भाग गया। अरे भाई साहब, आप वीर को जानते हैं क्या? तुम कौन हो? अरे मेरी बात छोड़िए, आप तो ये बताइए, आप वीर को जानते हैं क्या? हाँ जानता हूँ। तो मुझे उससे मिलवा दीजिए ना। क्या करेगा, मारेगा? अच्छा, नहीं मिलवाओगे क्या? आइए आइए आइए, मिलाता हूँ सर, आइए। ओए पाजे, मेरे बेटे की शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। भूल मत जाना जी। नहीं नहीं, आएंगे जरूर, जरूर आएंगे। क्यों भाई, सही बोला ना? हाँ एकदम बराबर, तुम बस मुझे दूर से बता देना। सही। अरे बाप रे, सरपंच आ रहा है। भाई यहाँ के सरपंच से क्यों डर रहे हो? गांव का सरपंच आ रहा है। अरे वो बहुत ही सुंदर है। हाँ। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? लेकिन डरने की बात नहीं, हम लोग तो सरदार बने हुए हैं ना। पहचान तो नहीं लेगा ना? डरो मत, नहीं पहचानेंगे। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। अरे ओ सरदार जी, वीर और जीवा नाम के दो लोग यहाँ दुकान लगाए थे, वो दोनों कहाँ गए, आपको कुछ पता है? ओ वीर और जीवा ना, वो दोनों अपना ठेला हमारे पास बेचकर चले गए। हे भगवान, मेरा ठेला बेच गए, मैं तो बर्बाद हो गया। हम लोग वीर जीवा की बात कर रहे हैं, तू लुट गया बर्बाद हो गया ये जानने नहीं। साहब जी, इन दोनों सरदारों के पास वो ठेला बेच कर गए हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं मुझे पता है? पापा पापा, मुझे भेलपुरी चाहिए। चुप कर, भेलपुरी पानीपुरी लगा रखी है। अरे दिला दो ना बेचारे बच्ची। हाँ दूर रख। अरे कुछ नहीं है, फोटो है। अगर तुम लोग इनको अपनी आंखों से देखो तो मुझे फोन कर देना प्लीज। हुजूर जरा सुनिए। हुजूर मुझे लग रहा है ये दोनों वीर और जीवा है। ये पंडित उसके कान में क्या मंत्र फूंक रहा है? मेरी बात मानिए, इनकी दाढ़ी मूछ हटाइए, सब कुछ सामने आ जाएगा। अबे पंडित तो चुप कर, पंगा होने पर हम लोग तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ये लोग सीधा काट डालते हैं, इसे कोई फायदा नहीं। क्या करो, दाढ़ी मेरी नाक में गई यार, कोई भला इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ाता है क्या? मेरी पूरी नाक को छील डाला, कैसे आदमी? हाँ चलो चलो यहाँ से चलो। बस मुझे एक बार वीर सिंह का घर दिखा दो, उसके बाद। भैया भैया भैया, उस जीवा को पकड़िए और पकड़कर जो करना है कीजिए, लेकिन बेचारे वीरदास को पकड़ने की बात क्यों? उसको क्यों पकड़ना है? मैं उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ दूंगा मैं, तब जाकर दूरा मेरे हाथ में आएगा। तुम बस घर दिखा दो, बाकी मैं देख लूंगा। चल बेटी आजा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस बच्ची उसको ऐसे खेलना पसंद है। आजा बेटी आजा। बच्ची है बच्ची है, हथनी को लेकर घूम रहा है, बोलता है बच्ची है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, साले मैं फंसूंगा तो तू नहीं फंसेगा क्या? अबे एक बात बोल दिया तो तू भूल जाएगा। कह दिया था अबे ये बेल्ट नहीं चाहिए मुझे, तू सुन ले, तुझे ढूंढने रूप पर गए हैं, तू बचेगा नहीं, समझ ले। तो अब क्या करें? क्या है? सरदार की बेटी की शादी में रात गुजार देते हैं। अकेले जाने नहीं आऊंगा। जाएगा कैसे? नहीं चल मेरे साथ, चल।
तो भी दुकानों से हफ्ता वसूल करो, जो नहीं देगा उसके हाथ पैर तोड़ दो। बोला ना, चल दे, चल चल रास्ता साफ है, चल चल चल। ये सब तो कैसा अन्याय है, रोज रोज एक नया यमराज पैदा हो जाता है और यहाँ आकर 200-300 छीन कर ले जाता है। इस अन्याय को रोकने वाला कोई तो होना चाहिए। ये सब क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम लोग? ये हमारे सिंगम भाई का एरिया है, फुट लो यहाँ से। सिंगम भाई, दिखाओ तो कहाँ है। सिंगम, बहुत सहन कर लिया, अब सामने आओ। ये लो, सिंगम को दिखाओ बोला तो चूहे को दिखाया। चूहा। आइए सिंगम भाई। थैंक यू। क्यों रे, कोई ताली नहीं बजा रहा? टेप चालू करना। चालू कर। ताली बजा। ताली बजा ताली। थैंक यू। यहाँ पर मौजूद सब लोग सुन लो, आज के बाद इस एरिया का सिंगम भाई अपना दादा। सास बहू की परेशानी हो, अवैध संबंधों की परेशानी हो, कॉलेज की इश्कबाजी हो, या नल में पानी नहीं आता हो, ऐसी कोई भी परेशानी आए तो हमारे सिंगम भाई के पास भाग कर आने का तुरंत समाधान कर देंगे। सुनो, आप लोग इस टपोरी को 200 रूपए हफ्ता देते थे ना, अब से सिर्फ 100 रूपए देना होगा। हमारे सिंगम भाई की तरफ से 100 रूपए का डिस्काउंट। सारी बातें खत्म हो गई। बैक थीम सॉन्ग चलाओ। सॉरी जेनी, सॉरी। ये सब मैंने क्यों किया? अपनी धाक जमाने के लिए ना। लेकिन इसने भी खूब एक्टिंग की। इस पर यहाँ दर्द हो रहा है क्या? ये ले, थोड़ा तो सहन कर ले। ओ, 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 इतना तो दर्द होगा ही। ओ, 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 भाई रामनगर, आदर्श नगर, जुहू, बांद्रा सब अपने कंट्रोल में, इतना काफी हो गया ना। अभी बस भी करो भाई। क्यों बस करें? चार एरिया तो हाथ में आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे शहर को कंट्रोल में कर लो सिंघा। पूरे स्टेट को कंट्रोल में लोगे क्या? करेक्ट। आप राजनेता लोग किस तरह के लोगों की इज्जत करते हैं? हमारे जैसे लोगों की। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत बड़ा गुंडा बनना होगा। तो फिर तुम लोगों को क्या खानी होगी? आप हर एक को एक एरिया मिल जाएगा। अगर हम उस एरिया के MLA बन गए तो हमारी पार्टी का मजा ही कुछ और हो। दूर की बात सोची है भाई। क्या सिंगम भाई, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और तुम इसकी सिकाई कर रहे हो। थोड़ा तो अपने बारे में सोचो। मुझे जो काम आता है वही करता हूँ, पता है ना भाई। आप ना बिल्कुल हमारे देश के राजनेताओं की तरह हो, बिना कुछ सोचे कुछ भी करने बैठ जाते हो। कल विजयनगर का एरिया पकड़ना है कुलपति। कल 11 बजे तुम वहाँ पहुँचाना। ओके सिंगम, वहाँ पर बहुत लोग मेरे को जानते हैं। 3 साल पहले विजयनगर में मैं गुब्बारे बेचता था। गुब्बारे बेचता था? तो फिर किसे भेजा जाए? सिंगम, मैं जाता हूँ ना वहाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है वीर, विजयनगर का एरिया असल तुम्हारा। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, क्यों ना एक साथ ठीक कर दे। भाई थोड़ा सांबर दो। सांबर मांग रहा है, कदर सुनाई नहीं देता। देता हूं भाई। फिकर नहीं करने का, इस बार फंक्शन में अपन बहुत सारे कौवे जरूर लाएगा भाई। साहब जंगली कबूतर लेके आ गया मैं। आए, जंगली कबूतर आजकल कौन खाता है? दुकान पर आने वाले सारे VIP हैं। ये सारे लोग चिकन, तीतर, बटेर, कलेजी और पापलेट खाने वाले हैं। वो ला सकता है तो ला। साहब यहाँ पे VIP लोग खाना खाने आते हैं क्या? और क्या साहब, इस बार देखना इससे भी डेंजर चीज लेके आऊंगा। डेंजर चीज क्या लाएगा? यहाँ सारे लोग चिकन पॉपलेट खाने वाले हैं, डेंजर मत लाना।
ए इधर आ। ये यहाँ पर क्यों आ गए, अब मैं क्या करूँ? जल्दी से ठेला पीछे ले। अरे जल्दी करना ठेला पीछे, देखे गांव वाले आ गए हैं। ए भाई लोग अपने अपने प्लेट और स्टूल लेकर मेरे पीछे आ जाओ, जल्दी करो। ये तो मुझे घूर रहा है। अरे ये तो अपना वीरू लग रहा है। जल्दी कर, अरे जल्दी से निकलना नहीं तो वो मेरे पीछे आ रहा है। वो कहाँ चला गया? पता नहीं, भाग गया क्या? अच्छा हुआ मैं ठेला लेकर इधर आ गया, वरना मेरे पीछे ही आ जाता। किसके बारे में बात कर रहे हो? जीवानंद तू यहाँ कब आया? अभी आया। अरे रे, अगर तू पहले बता दिया होता तो मैं रिक्शा लेकर बस स्टैंड तक आ जाता ना। अच्छा ये बता, गांव में सब लोग कैसे हैं? अरे सब कुछ बढ़िया है, और तुम कैसे हो? ये देख मैं कलरफुल लग रहा हूँ ना? बहुत बढ़िया लग रहे हो। ऐसे रहने से ही लोग पैसे देकर जाते हैं, वरना इडली भी खाते हैं और धोखा देकर चले जाते हैं। तू क्या कर रहा है? तू भी तो धोखा दे रहा है ना? क्या यार ऐसा क्यों? अरे और नहीं तो क्या, प्लेटफॉर्म पे तुम ठेला लगाते हो और गांव वालों को बोलते हो कि मैं फाइव स्टार होटल में काम करता हूँ। अरे मैं कितने होटलों में तुम्हें ढूंढने गया? छोड़ ना यार, गांव छोड़कर शहर आने वाले कितने लोग इधर उधर चले जाते हैं, किसी का पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे देख मैं एक ही जगह पर टिका हुआ हूँ। अच्छा ये बता, खाना वाना खाया? नहीं खाया। इडली का आटा तो बहुत सारा है ना? बहुत सारा मतलब? ठीक है तू खा लेना यार, लेकिन एक जरूरी बात सुन ले। मैं यहाँ रोड पर दुकान लगाता हूँ, ये बात हम दोनों के बीच रहे, गांव में बोलकर मेरी इमेज खराब मत करना। वो सब रहने दो, और ये पूछो कि मैं क्यों आया हूँ। क्यों आया है? अरे सुनो भाई, 15-20 इडली निकाल कर साइड में रख देना। समझ गए ना? कहाँ छोड़ा था मैंने? गांव की बात कर रहा था। हाँ, गांव में एक छोटा सा पंगा हो गया था। कैसा पंगा? मेरे बाप ने अपने उधार को चुकाने के लिए गांव के सरपंच को मुझे बेच दिया था, और वो इसका फायदा उठाकर अपनी पगली बेटी मेरे मत्थे मढ़ना चाह रहा था। ये छोटा सा पंगा है, वो सरपंच बाल ज्यादा काटने पर गर्दन काट देता है, और तू कहता है छोटा सा पंगा है। एक काम कर, जितनी इडली साइड में निकलवाई है वो खा ले और बस पकड़ के सीधा गांव जा। अरे यार मैं तेरे भरोसे चला आया। अरे क्या मेरे भरोसे, मेरा खून चूसने आया है क्या यहाँ? देख मैं तुझे कोई परेशानी नहीं दूंगा, तू बस मुझे काम दिला दे। कौन सा काम करेगा तू? तेरा गल्ला संभाल लो। गांव से तू मुझे लूटने का प्लान बना कर आया है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, अब मैं तुझसे थोड़ा गोरा हूँ ना, तो उससे कलेक्शन भी थोड़ा अच्छा आएगा। कोयले भी काले काले होते हैं, लेकिन इडली सफेद बनती है कि नहीं? तू गोरे काले की बात मत किया कर, समझ गया? तू पका मुझे चिढ़ाने आया है क्या? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ए, एक हफ्ते से ठेले का भाड़ा नहीं दिया तूने? अरे भाई आजकल धंधा वैसे ही मंदा है, ऊपर से गांव वाले आकर फ्री में खाना खाकर चले जाते हैं, तुम पैसे मांग रहे हो? ये भैंस के आगे बीन बजाने की बात नहीं चलेगी, कल फिर आऊंगा। किराया नहीं दिया तो ठेले को सामान के साथ धकेल कर ले जाऊंगा। ओए, वो तुझे धमका कर क्यों गया? अच्छा, अभी पूछ रहा है, जब आया था तब नहीं पूछा? अरे अब तो पूछ रहा हूँ ना। ठेले का ऑनर है यार। तो फिर तू? हाँ मैं सिर्फ उस सामान का ओनर हूँ। आधा ही ओनर है? ये देखो, आते आते पेट भर के खाना खाया ना, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। क्या टोपी पहनाता है तू यार? एक प्लेट इडली दे देना। इडली खत्म हो गई, अब कल आना। खत्म हो गई? तूने सारी इडली खा ली दलिंदर? क्या कहा, मछली का धंधा? हाँ। क्या कह रहा है? अरे हाँ भाई, इसके बाप की मछली की दुकान है। तो इतनी देर से इसके बारे में बात कर रहे हो? तब तो हो गया काम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? फीस छीन ली है मेरी। क्या फ्यूज छीन लिया? वो भी हमारे एरिया में। ओए, सबसे पहले नया फ्यूज लेकर कनेक्शन दो। जाओ 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 जाओ। वो बात नहीं है जी, तो? इसके कॉलेज में भरी जाने वाली फीस छीन ली है। तो फीस छीन ली? किस बेवकूफ ने छीनी? आपने ही छीनी। मैंने? आपके ही आदमी होने। हाँ सिंगम, बहुत दिनों से ये मछली वाला हमें हफ्ता नहीं दे रहा था, इसलिए छीना। ठीक है, छीने पैसे वापस कर दो, मुझे बहुत काम है। गो 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 सिंगम। अच्छा, ये देखो भाई, भूख, मेडिसिन, एजुकेशन, इन सब के लिए इकट्ठे पैसों को छीनना नहीं चाहिए। ओके, कल से इस तरह की सारी वसूली कैंसल। मिस हो गई। पानी से निकली वो जल परी दिल में जाकर छप गई है। क्या सुंदरता थी उसकी, अब कैसे ढूंढूंगा उसे? जीवा बेटा यहाँ नहीं आया, अगर आता तो मुझसे मिलकर जाता। जीवा नासिक भी नहीं गया और यहाँ भी नहीं आया, तो वो पक्का उस वीरदास के पास मुंबई गया होगा। हे भगवान। क्यों रे? तेरे गांव का तेरा दोस्त तेरे पास शहर आया है और तू उसके हाथ में सारा सामान पकड़ा कर खुद यूं ही चल रहा है। देख भाई, भगवान जिस जिस को जो कैरेक्टर देता है उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए, समझा? तो तू कौन सा कैरेक्टर है? मेरा कैरेक्टर तो तुझे दिखाई नहीं देता क्या? देख भाई, तुझे एक जरूरी बात बताता हूँ। बता। ये शहर बहुत ही खतरनाक है, यहाँ भयंकर ट्रैफिक है, थोड़ी चूक हो जाए तो मौत निश्चित है, अगर ध्यान नहीं रखेगा तो कौन कहाँ से आकर ठोक देगा? बाप रे।
अरे माँ, हे भगवान, पिछवाड़े की चटनी बन गई। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, सीधा आसमान में ले गया और धरती पर पटक दिया। मेरी तो कमर टूट गई। हे भगवान, अरे बाप रे, मर गया। अरे अरे, माफ करना भाई, मेरी मुर्गी भाग रही है। आजा आजा आजा, अरे आजा 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 आजा। अब अरे अरे अरे, क्या कर रही है? अरे पकड़, अच्छा अच्छा। अरे क्या काम के टाइम पे मुर्गी से खेल रहा है? बाजू हटना, उधर जाके खेल। अरे खाली करो, ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ है। पकड़ लिया। आपको देखकर गर्व हो रहा है, लोग गाली दे रहे हैं, उनकी परवाह ना करते हुए आपने एक मुर्गी की जान बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। आपके किन शब्दों में तारीफ करूं? Really, you are great. I like you. आपके सर पर चोट लगी है, दवा लगा लीजिएगा। उसने कह दिया। किसने कह दिया? उसी ने कह दिया। उसने किसने कह दिया ना? अरे भाई क्या कह दिया? I like you very much कह दिया। तू तो गया। रुको, तुझे नहीं छोड़ेंगे। हेलो सिंघम भाई। यस, सिंघम इज स्पीकिंग। सिंघम भाई, शेरी के ओरिजिनल गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। ओरिजिनल गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? हाँ सिंघम भाई, मुझे बचा। 7:30 से 9 बजे तक राहुल का होता, पता है ना? उसके बाद ही बाहर निकलते हैं। अरे छोटी सी गलती करती, इसलिए मैं फंस गया सिंघम भाई। ठीक है, कितने गुंडे पड़े हैं पीछे? 10-15 होंगे। 10-15 गुंडे, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी जल्दी से रिवर्स गियर में डाल। सिंघम भाई जल्दी आओ। ये क्या, एक अकेले के पीछे इतने लोग पड़े हुए? सिंघम क्या आदमी है? जल्दी कर, कितने सारे लोग एक अकेले के पीछे क्यों पड़े हो? कौन है बे तू? इसकी चिंता तुझे बहुत हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ क्यों पड़े हो? ये क्या तेरा सगे वाला है क्या? तब तो पहले तुझे ही काटना चाहिए। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू गांव से झगड़ा करने आया क्या? हम इन लोगों को नहीं जानता। अरे नीचे क्या ढूंढ रहा है? अरे भैया, थोड़ा प्याज मिर्ची डाल के एक बढ़िया सा ऑमलेट बना दो ना। ऑमलेट खाएगा? ऑमलेट ये ले, खा ऑमलेट। ऑमलेट खाएगा? ये ले, खा ऑमलेट। ओ बड़े यार, अपना आदमी का वो देखो छुपा बैठा है। तो फिर फाइट कौन कर रहा है? आखिर ये है कौन जो सबकी पिटाई कर रहा है? क्या कहेंगे तुझे? मेरी दुकान में लेकर ये ले। अरे मालिक, सांबर खत्म हो गया। तुझे सांबर की पड़ी है? मेरी दुकान खत्म हो गई, चल भाग यहाँ से। इतनी स्पीड में क्यों है भाई? मेरा ठेला टूट जाएगा। तो डांस क्यों कर रहा है? भाड़े का ठेला है यार। अच्छा अच्छा, ये लेखा, अब जा। मैं फिर से आऊंगा, बड़ा गर्मा गर्म रखना। क्या कहा, फिर से आएगा? क्या मुसीबत है, ये सब कहाँ से आ गए यार? क्यों भाई, क्या चाहिए तुम्हें? ये मुर्गी को देखकर क्यों हंस रहा है? क्या मौके का फायदा उठाते हैं लोग, सारी मुर्गियां काट कर ले गया। कोई बात नहीं, मुर्गी गई तो चलेगा, ठेला तो बचा लो। तूने अपने दोस्त को ही मारा। फिर बीच में आया। क्यों बे, तू आटा पीकर इडली बाहर निकाल रहा है? तेरा नाम क्या है बोल? काला कल्लन हूँ मैं। ये क्या, अपना पैर ऊपर क्यों रख दिया भाई? अच्छा वड़ा चाहिए क्या? ये ले ले, गरम है, खा ले खा ले खा ले। पूरी प्लेट खा के आएगा तो दूंगा ना। फाइट खत्म होने तक इसी एरिया में घूमते रहना।
वो किस लिए? जब जब भूख लगेगी तब तक आकर खाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करूंगा भाई। अब पैर हटा लो, जाऊं? नीचे से जा। इस तरह का आदमी हमारी गैंग को चाहिए। दो, चार, पाँच, छह, सारे आगे। लगता है फाइट खत्म हो गई। आप इतना सही कैसे कह सकते हैं? पीछे एक लाइन से तो आ गए। भाई एक ने इडली मुंह से निकाली थी। अरे हाँ यार, वो भैंसा तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया होगा। ये वही है ना जिसने आटा खाकर इडली मुंह से निकाली थी? यही है भाई, पक्का वही है। ए, जैसे तैसे करके मैंने एक ठेला भाड़े पर लेकर धंधा लगाया था, इसने वो भी तोड़ दिया। आप क्या करेंगे? अरे छोड़ो ना भाई, हम लोग सूप का धंधा कर लेंगे। तेरे मुंह तोड़ दूंगा टकले। वीर, दुकान कहाँ है? दुकान कहाँ है? मेरी इतनी सत्यानाशी करके पूछ रहा है, दुकान कहाँ है? तू गांव से प्लान बना कर आया था, वो पूरा हो गया ना? अरे नहीं यार, तो हो गया ना? इस पार्टी को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए एक पार्टी दें क्या? ओके सिंघम, अब तू जा। कौन था जो मेरे एरिया में आकर के हंगामा कर रहा था? कौन था वो? कौन था वो? फाइट खत्म हो गई सर। वही देख करके तो हम आए हैं। ब्रदर, सुपर फाइट थी ब्रदर। क्या मारा, क्या जंप, क्या पंप! पंप था, पंप ने तो मेरी हवा निकाल दी ना। इस फाइट का रिजल्ट पता है क्या था? एक गरीब के ठेले की बलि चढ़ गई। बड़े लोगों के बीच में फालतू लोगों को नहीं बोलना चाहिए। फालतू से इडली का ठेका गायब करने की वजह से हमारी सुपर गैंग की तरफ से आपके लिए सुपर पार्टी आइटम के साथ देना चाहते हैं। आप कब आ रहे हैं? कौन मैं? मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ, मालिक से पूछना पड़ेगा। मालिक से पूछो? कौन मालिक है ना? तेरा गला दबा दूंगा मैं, ज्यादा मुंह चलाया तो। जैसे तैसे दुकान चला रहा था, मेरी वाट लगा के नाटक करता है। तो फिर मैं जा रहा हूँ। चला जा यहाँ से, वापस मुड़ के मत देखना, मेरी जान छूटेगी। ये दुकान तो फिनिश, नई दुकान कब खोलने वाले हो? क्यों फाइट करके वापस तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, रिबन लगाकर कट कर। हे भगवान, दूल्हे के दर्शन करवा दो इन लोगों को। क्या बकवास सिटी है, जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक क्यों भाई? देखकर नहीं चला सकते? बेजुबान पे गाड़ी चढ़ा दी, तब इस सड़क में आएगा तो ऐसे ही चोट लगेगी ना। तो तुम्हारी आंखें कहाँ गई थी? तुम तो देख सकते थे ना। अरे कौन है? पुलिस वाले भी ट्रैफिक क्लियर नहीं करते हैं। ज्यादा बकवास मत कर, पैसे चाहिए तो ले ले। किसे चाहिए तेरे पैसे? तुझे चोट लगी होती तो तुझे पता चलता। पंडित जरा पता तो लगा। अरे ये भी करना पड़ेगा क्या? बुलाना जाके देख के देखता हूँ। अरे दे दे दे, चलो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे भैया ये ट्रैफिक जाम क्यों है? तू आगे जाके देख के आना। अरे खाली करो, ट्रैफिक जाम कर रहा है। चल, किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया इसलिए इतनी भीड़ जमा है यहाँ पे। इस शहर में इंसानों की इज्जत नहीं है, लेकिन कुत्ते के लिए भीड़ जमा हो जाती है। आपने भी तो भीड़ जमा कर रखी है। ओए पंडित, बकवास बंद करो, बैठ जा। चल चल, निकाल गाड़ी। ए भाई, डॉक्टर है क्या? सर सर सर, क्या चाहिए आपको? बात क्या है? अरे कुत्ते के पैर में चोट लग गई है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना है। नहीं सर, ये जानवरों का अस्पताल नहीं है, यहाँ इंसानों का ट्रीटमेंट होता है। आप डॉक्टर को नहीं मिल सकते, आप जाइए। कहा ना डॉक्टर को? नहीं, नहीं सर, आप डॉक्टर को नहीं मिल सकते, डॉक्टर देखेंगे तो चिल्लाएंगे। इन्हें आप मेरे कैबिन में वेट कराइए, मैं अभी आई। मैंने कहा ना मुझे। सर सर सर, रुकिए तो, आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? यहाँ कुत्तों को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, नजदीकी पेट क्लिनिक है, आप वहाँ जाकर इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अरे बाप रे, बहुत खून बह रहा है, पहले जाकर इसका फर्स्ट एड कराइएगा। ले जाइए, जल्दी ले जाइए। दीजिए सर, दीजिए। सर, क्या आप ब्लू क्रॉस के मेंबर हैं? उस दिन इतने ट्रैफिक में एक मुर्गी की जान बचाने के लिए आपने चोट खाई, और आज चोट लगे हुए कुत्ते को लेकर अस्पताल आए हैं। क्या आपको जानवर अच्छे लगते हैं सर? हेलो, क्या आप ब्लू क्रॉस के मेंबर हैं? ब्लू क्रॉस, रेड क्रॉस, सभी जगह का। बिन जुबान का जानवर इसलिए जान बचाने के लिए उसे उठा कर ले आए, डॉक्टर से मिलने नहीं दे रहा था, लेकिन आप खुद ही आ गए। आई लाइक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। बाय। और कुछ चाहिए क्या? पापा मुझे ये चाहिए। अरे ये उसका है, तुम्हें चाहिए तो वहाँ से ले लो। ऐसे ही शादी के दिन केले के चक्कर में लड़का भाग रहा। अच्छा, सुनने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसे ढूंढने के लिए मैं पूरे शहर में अपनी बेटी को लिए घूम रहा हूँ। देखो कितनी सुंदर है ये, और वो हाथ नहीं आ रहा है। यहाँ मेरी पहचान का एक मैनेजर है, कभी कभी तीन चार कट पीस मुझे ऐसे ही निकाल कर दे देता है। आज तेरे लिए दो पैंट शर्ट। चोरी करेगा? देख फालतू की बात मत करना। वो एक पतला सा काला सा लड़का था ना, वही जिसकी गलती पर हमेशा तुम मार खाते थे, तुम्हारे जिगरी दोस्त। मैंने सुना है कि वो यहीं कहीं घूमता रहता है, हो सकता है हमारा दूल्हा राजा भी उसके साथ ही घूम रहा। स्टार होटल में काम करता है ऐसा सुना था, कौन से होटल में उसका ठिकाना है ये तो नहीं पता। देखो हमारा दूल्हा बहुत बढ़िया आदमी है। चोरी कर रहा है? मैं जेब काटने वाला हूँ। मैं तेरी मदद करती हूँ। गुदगुद नहीं पापा। देखो अगर वीर यहाँ आए ना तो मुझे बता देना। ये लो, देख ये पैसे लेकर तू भाग जा। देखो इसमें फोन नंबर लिखे हुए हैं, मुझे फोन कर। अरे चोर, मेरा तेरा पर्स चुरा के ले गया चोर, पकड़ो। कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जा रहा है तू? रुक, भगवान कहाँ भाग गया वो? तू हर जगह फालतू की बात मत किया कर, मुझे गुस्सा आता है। पापा पापा, क्या है बेटा? अरे पापा, कहाँ गया है वो?
कहाँ गया वो? अरे वो रहा, पकड़ो उसे, पकड़ो। सामने सरपंच है, देखा वो रहा। ए रुक रुक, ए रुक। आओ। अरे बाप रे, कहाँ भाग गया वो? ये पुतले कितने सच्चे लग रहे हैं ना। हाँ इधर चलते हैं। हाँ। अरे रुक 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 रुक, मैंने तेरे दूल्हे को देखा। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर हम आ जा। अरे वीर, पहले छुपने की जगह देख, तब जाकर इन लोगों से पीछा छुड़ेगा। चल चल, यहाँ बैठ जा, आ जा आ जा। अरे क्या कहा, चोर क्या, मैं ज्यादा भाग नहीं सकता। कहाँ जाएगा वो? अरे बच नहीं सकता, कोई नहीं है, उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार हाथ तो आ जाए वो, उसके बाद बताता हूँ मैं उसे। हे, तूने मुझे हाथ लगाया क्या? मैं क्यों हाथ लगाऊंगी? अच्छा ठीक है, मैं सरपंच हूँ, समझा क्या? भूत ने मुझे मारा। तेरे कारण अभी फंस जाते। अरे चल चल, साले पीछा भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, लगता है हमें भेष बदलना पड़ेगा। मैं ये टोपी पहन लेता हूँ। मुझे लगा मैंने उसे, ये वीर का बच्चा। अरे वाह, ये सब पुतले हैं। अरे कुछ नहीं, मैं छोड़ूंगा उसे। कौन छीका यहाँ पे? इस पुतली का हाथ पहले दूसरी तरफ था ना, तो जाकर ढूंढो ना। ढूंढी तो रहा हूँ, ढूंढूंगा थोड़ी, तुझे तो मैं मार डालूंगा। चल चल चल, उस तरफ चल, इस तरफ चलते हैं। तेरे साथ रहा तो पकड़ा जाऊंगा, तू इस तरफ, मैं उस तरफ। अरे मैं अकेले जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, भेज रहा हूँ। तूने मेरा पर्स क्यों चुराया? मैंने कहाँ चुराया साहब, मेरी जेब देख लो। पर्स ही चुराया देखो, तो फिर तू भागा क्यों? मैं तो ऐसे ही भाग रहा था, मुझे लगा पकड़ा पकड़ी खेल रहा। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब जी। किसने चुराया? एक चोर बोल ना, उस तरफ चलो। अरे मुझे नहीं पता, चलो चलो। मदद की थी ना पर्स निकलने में, ये तो पागल लगती है। ये भी यही है, मिस हो गया, क्या करूं? यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हे, चोरी करता है? मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा ही पर्स है। ये लीजिए सर। क्या सर, आप इतने केयरलेस हैं? आपका पर्स ही चुरा रहा था और आपको पता भी नहीं चला? अरे वो मेरा पर्स है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पर्स के पैसे क्यों गिन रहे हो? पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ आइए तो। अरे पुलिस पुलिस, रुक जाओ, मेरा पर्स मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। इसने इनके पैसे चुराए हैं। इसे कमीने को हम ढूंढ रहे थे, भूल जग रहा था हमारी आंखों में। चल, ये पुलिस के साथ क्यों है? सर मैंने कुछ नहीं किया। इसके हाथ में तो पैसे दिखाई दे रहे हैं। आजा आजा आजा, इधर आ। हेलो सर, सर अब इसे अंदर क्यों नहीं रखते? अंदर ही तो रखा हुआ था, आइंदा से पर्स अंदर रखूंगा। एनीवे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। हम दो बार मिल चुके हैं, लेकिन आपका नाम? माय नेम इज दिव्या। मेरा नाम जीवा है। ये कौन है? ये ड्राइवर है, ड्राइवर। ओ, तो ये आपका ड्राइवर है? मुझे ड्राइवर कहा? वो ना, ब्लू क्रॉस ने डोनेशन दीजिए कहा था, इसीलिए वो लोग आए होंगे और ये मेरा इंतजार कर रहा है। आप भी तो दे सकती है ना? डेफिनेटली, श्योर। अगर आपके पास टाइम हो तो मेरे साथ चलकर एक कॉफी पी सकते हैं? ओह श्योर, आप चलिए ना, मैं उससे मिलकर डोनेशन देकर आता हूँ। ओके, आई विल वेट। आजा आजा, ये ले सारे पैसे, तू ही रख ले, मैं कॉफी पीकर आता हूँ। अब तो खुश है? अब आया आपने, ये मेरा किराया, चलता हूँ मैं। सिंघम को क्या हुआ है? वही पता नहीं यार, वैसे भी हजार पंगे बाकी है अभी, उन सबको छोड़कर सिंघम बच्चों की तरह बबल खेल रहा है। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सिंघम है क्या? कौन हो तुम? I'm a research student and I want to take an interview. I'm doing a research on criminals. May I meet Mr. Singham, please? मिस्टर सिंघम का मुझे इंटरव्यू लेना है। ओह, इंटरव्यू, भाई का इंटरव्यू लेना है। आइए आइए आइए। सिंघम, आइए, तुमसे मिलने कोई हिरनी आई है देखो। आज मैं किसी हिरनी से नहीं मिलना चाहता, आज बहुत बिजी हूँ। नो पंगे टुडे। नहीं सिंघम, तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए कोई लड़की आई है, मिल लो उससे। क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो यार? आ, आ,
मेरा नाम अभी है। मैं गुंडों के बारे में रिसर्च करके डिग्री लेना चाहती हूँ। मैं दिला दूँ क्या? अब तक मैंने कुछ 20 गुंडों का इंटरव्यू किया है। ओहो। इसलिए आपका भी इंटरव्यू? हाँ ले लीजिए प्लीज। सिट डाउन। थैंक यू। ये क्या है? अब पिस्तौल? ये तो मैंने अपनी रक्षा के लिए रखी है। इसे यहाँ मत रखिए, बेवजह चल भी सकती है। इसे अंदर रखिए पर्स में। एक फोटोग्राफ? हाँ ले लीजिए। बॉयज़ फोटो फोटो भाई हमारे भी हमारे भी हमारे भी ओके थैंक यू। पानी वाली लड़की ऊपर बबल्स था। आप सवाल पूछिए प्लीज। आपने ये काम कैसे शुरू किया? वो आपने बरसात की रात फिल्म देखी है क्या? जिंदगी भर नहीं भूलेगी। उसमें ये गाना था। उसमें जैसे दो भाई बिछड़ जाते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, उसी तरह से मैं और मेरे भैया पानी भरने के लिए ट्रेन से उतरे। मेरे भैया तो पानी लेकर ट्रेन में चढ़ गए। उसी समय वो इंजन ड्राइवर मुंबई स्टेशन से ट्रेन को फास्ट लेकर के चला गया। मैं प्लेटफॉर्म पे दौड़ता रहा मगर ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। मेरी सांस फूल गई ऐसे और मैं देखता रह गया। ये क्या? सिंगम तो खिचड़ी पका रहा है। वही तो। सिंगम ने तो हमें कभी ऐसी कहानी सुनाई नहीं। इसका मतलब हम भी क्या रेलवे स्टेशन में पड़े मिले थे क्या? चल लपेटते आजा। सच बता रहा हूँ मैं, जब मैंने आसपास देखा तो मेरी तरह मेरी ये भाई भी वहीं पे पड़े हुए मिले। इसीलिए हम सभी ने मिलकर एक आवारा गैंग फॉर्म किया। बहुत मजा करते हैं। गुंडों के चेहरे पर तो चाकू या गोली के निशान होते ही हैं। सच में क्या? लेकिन आपके चेहरे पर तो ऐसा कुछ नहीं है। बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। कैसे? इसके अलावा कोई और काम भी कर सकते हैं ना? लेकिन इस काम में क्या कमी है? है? किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग भेजा और लोगों के दिल में थोड़ा सा डर, इतना ही बहुत। आप लोगों को डराकर वसूली करते हैं, वो आपको गलत नहीं लगता? नेवर। अब एक अपार्टमेंट या कॉम्प्लेक्स हो तो उसे मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस चार्ज होता है कि नहीं? लोग उसे देते हैं ना। ठीक उसी तरह से हमने एक एक एरिया बांटा हुआ है, उस एरिया को मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा चार्ज वसूल करते हैं। ये उनकी प्रोटेक्शन मनी है, वसूली नहीं। इस तरह से दूसरों को धोखा देकर अपना धंधा चलाते हैं, ऐसा करना आपको बुरा नहीं लगता है? बुरा? हमारे काम को बेकार कहती हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? हमारे सामने ही हमारे आवारा यूनियन को बेकार बताती हो? क्या डॉक्टर चोरी छुपे ऑर्गन्स नहीं बेचते? क्या टीचर बच्चों को नकल करवा के पास नहीं करवाते? क्या पुलिस वाला लोगों से घूस नहीं खाता? पुजारी भी लोगों को बेवकूफ बनाता है? एक वकील खूनी को जमानत नहीं दिलवाता? ये सब सही है और हमारा काम बुरा है? सारी चीजों का प्रूफ है मेरे पास। देखो दिखाता हूँ मैं, हमारा काम गलत है। दूसरों को नहीं देखती, हमारा काम गलत बताती है। जिंदगी में थ्रिल होना चाहिए, इसलिए ये रिस्क। अगर रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में मजा कैसा? तो उसके लिए ऐसे गुंडों के पीछे घूमेगी? तुम्हें इन गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं, उनके अंदर कितने अच्छे कैरेक्टर होते हैं पता है? आज मैंने जिस गुंडे को देखा वो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है पता है तुम्हें? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे उसके साथ सेटल हो जाओगी। तुम भी तो उस आदमी के गुण गा रही हो जिसने उस मुर्गी और कुत्ते को बचाया, तो क्या तुम उसी के पीछे चल दोगी? ठीक है वो सब छोड़ो, सिनेमैक्स थिएटर में 2 टिकट बुक कराई है, मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, चलोगी ना? तुम कभी सीरियस हो नहीं सकती क्या? हरिद्वार से दादाजी की तबीयत खराब होने की खबर आई है। दादाजी की तबीयत खराब है? हेलो। हेलो कौन अभी? हाँ पापा। क्यों बेटा तूने फोन क्यों ऑफ कर रखा था? कितनी देर से फोन कर रहा था मैं। कौन अभी है उसे जल्दी से पहुंचने को कहो। सुना तुम्हारी माँ ने क्या कहा? कौन अभी है क्या? शंकर और राजू आज मुंबई से आने वाले हैं, उससे बोलो डॉक्टर की सारी दवा यहाँ ध्यान से उनके हाथों भिजवा दे। ओके समझ गए। ओके ओके। क्यों बेटा चाचा जी ने जो कहा सुना ना? अब जरा लाइन होल्ड करो, मैं दादाजी से बात करवाता हूँ। अभी का फोन है। अरे अभी बाद में बात करा देना, अभी चेकअप चल रहा है ना। आपको कुछ नहीं हुआ, आप रेस्ट कीजिए, स्ट्रेस मत लेना, मेरी दवाओं को फॉलो करना और सबसे जरूरी बात बात कम करना। यही बात बताइए। टेक केयर, मैं चलता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। बत्रा पिताजी को माइल्ड अटैक हुआ है, इन्हें टेंशन मत देना, केयरफुली ध्यान रखना। क्या भी ठीक हो तुम? दादाजी अब ठीक तो है? अरे मैंने जरा सी आलू की सब्जी क्या खा ली, इन लोगों ने डॉक्टर को बुला के पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। दादाजी मैं और दिव्या वहाँ जाएं क्या? नहीं नहीं तुम लोग मत आओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ठीक है दादाजी, टेक केयर। ओके क्यों रे
अकल नहीं है तुम लोगों को है? मैंने कहा बस जरा सा दर्द हुआ, उस पर डॉक्टर को बुला के हंगामा कर दिया, मुंबई तक पोतियों को फोन कर दिया। बस डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। ठीक है जाओ 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 तुम लोग जाओ। अरे जाओ भैरव, अपने वकील को बुलाओ। वकील? लेकिन क्यों? इस घर में बच्चे से लेकर बड़ों तक सब मुझसे कितना प्यार करते हैं देखा ना, मुझे कुछ हो जाता है तो सब घबरा जाते हैं। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, जितनी जायदाद है वो किसे कितनी देनी है बांटने का फैसला किया है मैंने। बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैं, अपनी जायदाद आप जिसे भी देना चाहे दे सकते हैं, बस अपने खून भाग्य लक्ष्मी को आप भूल। वो रिश्ता खत्म हो चुका है, भगौड़ों के बारे में बात ना करो। जाओ। स्विमिंग करते समय तुम्हें कुछ कुछ होता है सुना है? ऐसा नहीं है जी। स्विमिंग सिखाते समय ट्यूनिंग कर रहा है क्या? वेरी गुड, इधर लाओ। रेडी है बॉस, धार करके ही रखा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत काटना। नाउ टेक दिस, अब जल्दी से जाकर स्विमिंग सूट पहन कर आओ। वेलकम मिस ब्यूटी। तो अब ट्यूनिंग नहीं करूंगा। अगर दोबारा किया तो गुड मिस ब्यूटी, जाओ पानी। मैं अपनी पसंद के एक बीच रेस्टोरेंट पर अक्सर जाती हूँ। वहाँ पर एक टकला सुपरवाइजर है जो खुद को हीरो समझता है। वो जब मुझे देखता है मुझे ऐसे लगता है कि उसके सिर पर जोर जोर से मुक्के मारूं। वेलकम। वो छोड़ो तुम्हारा नाम। मैं सुपरवाइजर रामदास। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। जरा ऐसे ही रहना। ये क्या कर रहे हो आप? ए, झुकना। इसे लगा के लड़कियों को धोखा देता है। ओके ओके, बस बस बस। ओके ओके, खड़े हो जा। अब कोई भी लड़की यहाँ पे आएगी तू उसे सैल्यूट मारेगा, लाइन नहीं मारेगा। मैं रोज जब कॉलेज जाती हूँ तो सिग्नल पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डांस कर रहा होता है। उन्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर वो भरतनाट्यम ड्रेस पहनकर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो कैसा लगेगा। क्या हुआ, डांस आधा छोड़कर चली आई? आज मेरा मन नहीं लग रहा। वो क्यों? मेरी खोई हुई डायरी से पता नहीं कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है। उसमें लिखी हुई मेरी सारी छोटी छोटी इच्छाओं को पढ़कर वो उन्हें पूरी कर रहा है। हो सकता है वो तुझे प्यार करने लगा हो, तुझे क्या लगता है? अगर उसने ऐसा किया तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, देखना उसका क्या हाल करूंगी। इडियट, वो मेरी डायरी है दिव्या, पर्सनल बातें लिखी है उसमें। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पाव भाजी पूरी भाजी खाओ भाजी, आओ जी आओ पाव भाजी खाने आओ जी। क्यों भाई, हम लोग सही बोल रहे हैं ना? भाई मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, तू जरा संभल के रहना वरना सरदार काट डालेगा तुझे। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। दो प्लेट पानी पूरी। क्या बोला इसने? दो प्लेट पानी पूरी मांग रहा है। दो प्लेट पानी पूरी अभी दिया। पंजाब में तुसी घर के थे? क्या बताऊँ इसे, अरे पंजाब की कोई भी जगह बता देना। पंजाब में मैं महाड़ा में रहता हूँ। मतलब इसके परिवार के आधे लोग गोल्डन टेम्पल में हैं। आधा परिवार वहीं रहता है। इतने काले क्यों? मैं टेलिंग वन थिंग, आई एम ए क्रॉसिंग, माय फादर सिंह लेवल क्रॉसिंग, माय मदर सिंह किंग। बाजी तुसी नाम क्या है? हरभजन सिंह। अरे भाई अब ये किसका नाम बता दिया तूने? अब से तेरा नाम यही है समझ ले। माय नेम इज युवराज सिंह। ओह युवराज सिंह, हरभजन सिंह ग्रेट क्रिकेट प्लेयर सा, नाम बहुत अच्छा है बाजी। अरे क्या यार ये क्या है, पानी पूरी खाने आया है तो पानी पूरी खाना, ये ले दो प्लेट पानी पूरी। जा बे दिमाग खाने आ गया है, इस वेश में तो हमारी जान निकल जाएगी। जब तक वो लोग है तब तक कैसे रहना होगा? नकली है, निकल जाएगी पागल। अरे तो ठीक है ना, तूने मुझे नौटंकी वाला बना दिया। अरे ये क्या, अपनी दुकान तो बदल गई।
अरे क्या है, ये सारे बंजारे यहाँ आ गए। ओ भाई, 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 भाई। यहाँ पर एक कालिया इडली का ठेला लगा था, कहाँ है वो? वो अपनी इडली का ठेला बेचकर फॉरेन में होटल खोलने चला गया। अरे चला गया, उस ठेले को बेचकर तो आधा किलोमीटर भी नहीं जा पाता। पहले तू यहाँ से निकल, फालतू बकवास मत कर, जब आ गया से। अरे सरदार को अचानक क्या हो गया? क्योंकि हम सरदार हैं। मुझे तो शक हो रहा है। देख यार, अब इसे भी शक हो रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है। बॉस, इंटरव्यू के लिए एक लड़की आपसे मिलने आई। तो आने दे उसे। सर, हेलो सर। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त चीज बड़ी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बैठो। थैंक यू सर। हाँ बोलो। क्या सर, आप भी? औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए साड़ी पहनती है, और आपने उस साड़ी के ऊपर पेंटिंग बनाई हुई है। मेरे बारे में जानकारी तुम यहाँ आई हो ना? आप एक विमेनाइजर हैं, सुना है मैंने। विमेनाइजर बनने के बाद गुंडे बने, या फिर गुंडे बनने के बाद विमेनाइजर बने आप? वो एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। मेरी कुछ 16 साल की उम्र होगी, समझो कि जवानी की दहलीज पर ही था मैं। मेरे पड़ोस के घर में एक सुंदर सी लड़की हुआ करती थी, तुम्हारी तरह। वो मुझ पर लाइन देती थी, मैं उस पर लाइन देता था। वो देखकर हंसती थी, मैं उसे देखकर हंसता था। तो मैं उसे कैसे छोड़ता? उसी रात को मैं उसके घर में घुस गया, मेरे बाजू में आकर खड़ी हुई। उसी समय मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही उसने भी अपना हाथ छुड़ाया था। तो मैं क्या करता, मैं भी उसके थोड़े पास जाकर माथे से लड्डों को हटाया, उसके लबों को पकड़कर एक फ्रेंच किस। आखिर तूने अपना कमीनापन दिखा ही दिया है ना? मैं हमेशा अपनी हिफाजत के लिए गन रखती हूँ, मार डालूंगी। तुझे पैदा करने वाली भी एक औरत ही है, औरतों पर बुरी नजर डालता है। तेरे जैसे लोग समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। चल, अभी तुझे पुलिस के हवाले करके सजा दिलवाती हूँ, चल। अरे तुम दूसरे गिलास में क्यों नहीं पीते हो? ए, तेरे को पता है नहीं दारू के गिलास में फिर क्यों दिया इसे? अरे तुम मुझे इसी गिलास में चाय पिला देना, ठीक है? और रवि, ठेले का पैसा निकाल, अगले हफ्ते ले ले। वीरदास ने भी ऐसे ही किया, भगा दिया उसे। धमकी किसको दे रहा है? जब पैसा मांगता था नाटक करता था, फिर मैंने उसे अपनी मर्दानगी दिखाई, धूम दबा कर भाग गया। अरे भाई साहब, आप वीर को जानते हैं क्या? तुम कौन हो? अरे मेरी बात छोड़िए, आप तो ये बताइए, आप वीर को जानते हैं क्या? हाँ जानता हूँ। तो मुझे उससे मिलवा दीजिए ना। क्या करेगा, मारेगा? अच्छा, नहीं मिलवाओगे क्या? आइए आइए आइए, मिलाता हूँ सर। आइए आइए। ओए पाजे, मेरे बेटे की शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। भूल मत जाना जी। नहीं नहीं, आएंगे जरूर, जरूर आएंगे। क्यों भाई, सही बोला ना? हाँ एकदम बराबर, तुम बस मुझे दूर से बता देना। सही। अरे बाप रे, सरपंच आ रहा है। भाई यहाँ के सरपंच से क्यों डर रहे हो? अपने गांव का सरपंच आ रहा है। अरे वो बहुत ही सुंदर है। हाँ। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? लेकिन डरने की बात नहीं, हम लोग तो सरदार बने हुए हैं ना। पहचान तो नहीं लेगा ना? डरो मत, नहीं पहचानेंगे। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। अरे ओ सरदार जी, वीर और जीवा नाम के दो लोग यहाँ दुकान लगाए थे, वो दोनों कहाँ गए, आपको कुछ पता है? ओ वीर और जीवा ना, वो दोनों अपना ठेला हमारे पास बेचकर चले गए। हे भगवान, मेरा ठेला बेच गए, मैं तो बर्बाद हो गया। हम लोग वीर जीवा की बात कर रहे हैं, तू लुट गया बर्बाद हो गया ये जानने नहीं। साहब जी, इन दोनों सरदारों के पास वो ठेला बेच कर गए हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं मुझे पता है। पापा पापा, मुझे भेलपुरी चाहिए। चुप कर, भेलपुरी पानी पूरी लगा रखी है। अरे दिला दो ना बेचारी बच्ची। अरे कुछ नहीं है, फोटो है। अगर तुम लोग इनको अपनी आंखों से देखो तो मुझे फोन कर देना प्लीज। हुजूर जरा सुनिए। हुजूर मुझे लग रहा है ये दोनों वीर और जीवा है। ये पंडित उसके कान में क्या मंत्र फूंक रहा है? मेरी बात मानिए, इनकी दाढ़ी मुंह चढ़ाइए, सब कुछ सामने आ जाएगा। अबे पंडित तो चुप कर, पंगा होने पर हम लोग तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ये लोग सीधा काट डालते, इसलिए कोई फायदा नहीं। क्या करो, दाढ़ी मेरी नाक में गई यार, कोई भला इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ाता है क्या? मेरी पूरी नाक को छील डाला, कैसे आदमी? चलो चलो यहाँ से चलो। बस मुझे एक बार वीर सिंह का घर दिखा दो, उसके बाद। भैया भैया भैया,
उस जीवा को पकड़िए और पकड़ कर जो करना है कीजिए, लेकिन बेचारे वीरदास को पकड़ने की बात क्यों? उसको क्यों पकड़ना है? मैं उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ दूंगा मैं। तब जाकर दूल्हा मेरे हाथ में आएगा। तुम बस घर दिखा दो, बाकी मैं देख लूंगा। चल बेटी कोई बात नहीं, बस बच्ची उसको ऐसे खेलना पसंद है। आजा बेटी, बच्ची है, हाथी लेकर घूम रहा है, बोलता बच्ची है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, साले मैं फंसूंगा तो तू नहीं फंसेगा क्या? अबे एक बात बोल दिया तो तू फंसेगा। कह दिया था, अबे ये बेल्ट नहीं चाहिए मुझे। तू सुन ले, तुझे ढूंढने रूप पर गए हैं, तू बचेगा नहीं, समझ ले। तो अब क्या करें? क्या है? सरदार की बेटी की शादी में रात गुजार देते हैं। तू अकेले जा, मैं नहीं आऊंगा। जाएगा कैसे? नहीं, चल मेरे साथ, चल। ए क्या देख रहे बे? ला एक कश्मीर मार दो। कौन है जो रात में इतना हंगामा कर रहे हैं? सरदार की लड़की की शादी है सिंगम। इनका टॉर्चर सहा नहीं जा रहा सिंगम, गाना सुना सुना के पका दिया है। सुबह से इतनी मेहनत की, एक भी काम नहीं हुआ, अब यहाँ कर थोड़ा आराम कर रहा। तो इस सरदार ने हंगामा करके दिमाग खराब कर रखा है। वॉइस कमांड, जाकर इन्हें सबक सिखाते हैं। कमांड, पंजाब से यहाँ आकर हमारे दिए ब्याज के पैसों से धमाकेदार शादी करवा रहा है। हे पंजाबी कुलफीस, रास्ते से हट जा। उस ठेले वाले ने सरपंच को घर दिखा दिया होगा। उन लोगों के यहाँ आने से पहले हम लोग ये शहर छोड़कर भाग जाते हैं। आइए दूल्हे राजा, आइए, आपका इंतजार कर रहे थे हम। देखिए, चुपचाप मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहना दो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। सरपंच जी, हम आपकी धमकियों से नहीं डरने वाले। हम तो अपने बाल भी ऐसे नहीं कट पाते। सर के पूरे बाल ऐसे पकड़कर चाकू से एक ही बार में उन्हें काट डालते हैं, और आप हमें हथियार दिखाकर डराना चाहते हैं। ये कहाँ भाग गया? अरे बाप रे, हे पकड़ो, हे पकड़ो। रात को दारू पीकर सब टल्ली पड़े हैं। आज मुझे गाड़ी चलाना सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या हुआ? हे भगवान, भगवान मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। ये गाड़ी कौन हिला रहा है? अरे देखो, पहले जो हमारी कस्टडी में था वो 1.5 करोड़ लेकर भाग रहा है। छोटा मोटा सब पकड़ो। कहाँ भाग रहा है? गाड़ी मत हिला यार। अरे क्या हो रहा है? अरे बचाओ। ए पकड़, ए ऑटो वाले बाजू हट। ऐसा बैठूंगा तो गाड़ी सीधी चलेगी। देखा? ये क्या डाल कर गया? क्या ये ब्रीफकेस? हुजूर वो दिख गया, वो रहा। अरे दिख तो मुझे भी रहा है, वो पकड़ में तो आए। ये ब्रीफकेस डालकर मुझे किसने जगाया? अरे भैसा, अरे वो भैसा, सामने से हटो। अब बच गया। अरे वाह सिंगम, सुपर लक। हाँ सिंगम तू है। रिवर्स में कई गाड़ी फॉरवर्ड में जा रही है, हमारा सारा पैसा उसी गाड़ी में है। पहले उसकी गाड़ी का नंबर नोट करो, वो कौन है मुझे पता लगाना। हाँ चलो। तू यहाँ कैसे जीवा? मेरे गांव का सरपंच अपनी बेटी से शादी के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उनसे भागते समय इस जीप में आकर गिर गया। गाड़ी रोक रहा हूँ। अगर गाड़ी रोकूंगा तो उस पत्नी से मुझे शादी करनी होगी और वो लोग मुझे फिर गाँव ले जाएंगे। मर गया। ए सिंघम, सिंघम, सिंघम,
अरे सिंघम क्या हुआ? सिंघम ए ए सिंघम, अरे तुम क्या बोल रहे हो? हेलो, क्या हुआ सिंघम, कहाँ पर हो? मैं जीवा बोल रहा हूँ। सिंघम कहाँ है यार? सिंघम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? ए, तुम लोग तुरंत शांति हॉस्पिटल में आ जाओ। भाग्य लक्ष्मी हरिद्वार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? वहाँ पर भाग्य लक्ष्मी करके कोई? हाँ जी, वो मेरी ननद वो, है। वो क्या है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है जी। क्या कहा? एक्सीडेंट? क्या हुआ सिंघम को? चिंता मत करो, वो अभी बेहोश है। हाँ, बेहोश है। अरे जान को खतरा नहीं है, उस रूम में है, जाकर देख सकते हो। सिंघम 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 सिंघम, क्या हुआ सिंघम को? सर यहाँ साइन कर दीजिए। मैं क्यों? आप उनके बेटे हैं ना, ऑपरेशन करना है, साइन कीजिए, साइन कीजिए। इनके सर पर गहरी चोट आई है, कोमा के स्टेज में है, होश में आने में थोड़े दिन लगेंगे। अच्छा हुआ ठीक समय पर इनके बेटे यहाँ ले आए, इसलिए ये बच गई। इसका बेटा? वो कहाँ है डॉक्टर? बाहर जो ब्लू शर्ट पहनकर खड़े हैं, वही तो इनके बेटे हैं। बेटा, इतने सारे लोग आ गए, मैं तुम्हारा नाना हूँ बेटा। हाँ बेटा, तुम मेरे नाती हो। नहीं तुम्हारी माँ को इतने दिन तक दूर रखने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना। और मुझे यहाँ से कौन बचाएगा? तो खुशी कर रही जीवा मिल जाएगा ना। ये लोग यहाँ भी आ गए। हे भाग्य लक्ष्मी को हरिद्वार ले जाएंगे और वहीं उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। चलो उसके बेटे से बात कीजिए ना आप। हाँ बेटा, जीप का नंबर पता है मुझे, अब उसका पता लगाए के रहेंगे, मैं छोड़ने वाला नहीं। अरे सिंघम अभी तक सो क्यों रहा है? अरे सब ठीक हो जाएगा, चल चाय पीते हैं। सिंघम उठो, सिंघम कौन हो तुम लोग? अरे चलो उठाओ इसे। चलो उठाओ इसे। ऐसे डॉक्टर, आप उनका ख्याल रखेंगे तो अच्छा होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है? बाय। ओके डॉक्टर। सब सामान तो ले लिया है ना? पापा, पापा। बस तो चलो, अब उसका ही पता लगाना है। सुनिए ना। हाँ क्या? पापा, पापा क्या कर रही है? वो देखिए ना, जीवा जा रहा है। पापा, कहाँ पे? जीवा, तू ले ना जा। दीदी आइए गर्म पानी ले आते हैं। अब ये कैसे है डॉक्टर? सेम कंडीशन है,
सही होने में टाइम लगेगा। मेरे दिए ट्रीटमेंट से ज्यादा आप सभी मिलकर इन पर कैसा ध्यान देते हैं, उतनी जल्दी इनके ठीक होने के चांसेस हैं। मैंने सोचा नहीं था मिलोगी तो इस हालत में। सा भाग्य लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, आप बस थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए ना। सुनिए, माँ के बारे में सोचकर परेशान है। परेशान मत होइए, बुआ को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। देखिए पहले आप मेरी बात तो सुनिए। ये आप करके मुझे मत बुलाइए, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं। मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ। पहले तो हम एक दूसरे के रिश्ते से अनजान थे, अब आप मुझे नाम से बुला सकते हैं। दिव्या, जीवा को खाने के लिए बुलाओ। चलिए खाना खाने चलते हैं। बेटे, सभी खाए बिना बैठे हैं, ये तुम देख रहे हो ना, इस घर में साहब के खाने के बाद ही सब लोग खाना खाते हैं। जीवा, आप क्या काम करते हैं? ये बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह पर घूमते हैं। अरे दिव्या, इनसे सवाल पूछा था ना, तो तुम चुप रहो और इन्हें जवाब देने दो। हम पहले 2-3 बार मिल चुके हैं। ओए, तुम दोनों की मीटिंग ही हुई थी या कोई और भी बात है? सबको सच की नहीं बता देती? चुप ना। मुंबई में तुम इतने दिन से रह रहे हो, पैसे कितने कमाए हैं? वो क्या है, माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मुंबई जाओगे कि यहीं रहोगे? ए, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, अब से मेरा नाती और बेटी यहीं रहेंगे। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आइए। जीवा, हाँ? तुम्हें नाना जी बुला रहे हैं। ठीक है। वकील साहब, हमारी कहां कहां पर कितनी जायदाद है सबके कागजात लाए हैं ना? आपने जैसा मुझसे कहा था सारी डिटेल्स इसमें लिखी है, किस किस के लिए क्या करना है इसके मुताबिक मैं पेपर बनाऊंगा। अब साहब इसमें बांटने की क्या जरूरत है, अब तो आपकी बेटी और नाती आ गए है ना, तो सारी की सारी जायदाद जो है वो जीवा के नाम हमें कर देनी चाहिए। उसके बाद वो खुद फैसला करेगा कि किसको क्या देना है और कितना देना है, सीधी बात है। ये घर के अलावा कोर्ट कचहरी के काम भी देखने लग गया। नाना जी, माँ को पहले ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद जायदाद के बंटवारे की बात करेंगे। ये सही है। हाँ, अब तो जीवा ने खुद ही कह दिया ना, ये सब बाद में देखेंगे। चलिए वकील साहब। थोड़ा डाल ना इसमें। ये 1 या 2 साल से नहीं, पूरे 30 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और हमारी उम्मीदों पर पानी भरना चाहता है वो बुड्ढा। अरे तू अपनी बकवास बंद कर यार, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे। क्या 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 सोचोगे तुम है? कैसे भी अपनी बेटी की शादी उससे कराकर सारी जायदाद हथियाना चाहते हो तुम? अरे कैसे पागलों जैसी बातें? क्या पागलों जैसी बातें? उसी दिन भाइयों ने कहा था ना, बुड्ढे को टपका कर सारी जायदाद 4 लोगों में बांट देते हैं, तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। नाना की जायदाद नाती को मिलती है ये सोचकर उस मुरीद ने सारी बात उगल दी, इसलिए बुड्ढा भी पीछे हट गया। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है हमारी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, माँ बेटे दोनों को टपका देते हैं। हे भगवान, इतने दिनों तक मुझसे दूर रही मेरी बेटी और नाती को मुझसे मिलवा दिया, कम से कम अब तो मेरे परिवार को मुझसे जुदा मत कर देना। मेरे जीते जी सभी मेरे साथ बहुत खुश रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। इतने सालों तक तुम दोनों को अपने से दूर रखने के लिए मुझे माफ कर दो। ये लो, इसे तुम अपनी माँ के माथे पर लगा दो। माँ जी, मैं इस घर से जाने को सोच रहा था, लेकिन मैंने अपना फैसला बदल लिया है। इस घर में जायदाद के लिए आपको मारने की कोशिश की जा रही है, और माँ जी सालों बाद आप अपने पिताजी से मिल रही हैं, और ये सारी बात मैं उन्हें बताकर उनकी खुशी को छीनना नहीं चाहता हूं। सही है या गलत, लेकिन जब तक आपको होश नहीं आता, आपका बेटा बनकर मैंने आपकी जान बचाने का फैसला किया है। माँ, जब तक मैं इस घर में हूं तब तक आप पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बेटा है तू, एक जज का बेटा है तू। ए, तू जिंदा नहीं बचेगी, वो अपने पति से जाके बोल दे, मेरे मामले में ना पड़े तो अच्छा है। आई एम ए बैड बॉय।
बता देना पैसे कहाँ रखे हैं ये बताना, क्या प्रॉब्लम है? नाक में खुजली हो रही है, जरा खुजा देना। नाक खुजाऊंगा तो बता देगा ना, अब बता। थैंक यू। मैं इसका क्या करूं, ये फिर से बेहोश हो गया यार। इसे कहां पे मारने से सारी असलियत ये उगलेगा, मुझे ये अच्छी तरह से पता है। ओए टकले की औलाद, इस लकड़ी के गट्ठे को ले जाकर उसकी खोपड़ी के बीचों बीच पूरी ताकत से मार दे। तेरी तो रुक, क्या है? अगर दिमाग में लग गई और पागल हो गया तो बॉस को कौन जवाब देगा? हाँ अच्छा आइडिया दे दिया इसने, अब इनके ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, पागल बन जाता हूँ मैं। मैं कहाँ हूँ? नंबर 112 हनुमान मंदिर के पीछे, आदर्श नगर, मुंबई, समझ गया ना तू? ये लड़कियाँ मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? अरे लड़कियाँ नहीं है और ये हंस नहीं रही है, अब मुझे बता के पैसे कहाँ है? पैसे बैंक में डालते हैं या फिर गुल्लक में डालते हैं, लेकिन तुम लोगों ने गाड़ी में क्यों डाले? ए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चुपचाप बता पैसे कहाँ है? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों भरती है? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पैसे कहाँ है? अच्छा पैसे का पूछा तो ये गाना गा रहा है, रुक जा तेरी तो। ए, इसे मार मत, पहले बॉस से बात करने दे। हाँ बॉस, मैं बोल रहा हूँ, ये उल्टी सीधी बकवास कर रहा है बॉस, मुझे तो लगता है एक्सीडेंट की वजह से पागल हो गया है ये। पागल हो गया? हाँ बॉस। तो मेंटल हॉस्पिटल लेकर, ठीक है, ओए इसे मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ। सांस लो, ऑपरेशन करके इसके किडनी में से स्टोन निकल रहे हैं। अच्छा ऑपरेशन सक्सेस, स्टोन के वजह से कितनी प्रॉब्लम थी। अरे क्या हुआ भाई, उठो। कहाँ पे? उस वार्ड में तुम केयरफुल रहना, ठीक है, जाओ। और तुम सुनो यहाँ, डॉक्टर साहब, अरे क्या हुआ? चार पागल मेरे पीछे आ रहे हैं, देखिए उन्होंने मुझे काट भी लिया है, देखिए पीछे आ रहे हैं। चारों लोग एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि भाग मत भाग मत। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ ना। सारे के सारे पागल ऐसे ही होते हैं। सुनो सुनो, यहाँ यहाँ देखिए, क्या कर रहे हो? छोड़ो, अरे डॉक्टर साहब आप पागल नहीं है, डॉक्टर साहब आप पागल नहीं है। सब पागल हो, कब से एक ही बात दोहरा रहे हो? डॉक्टर साहब पागल तो ये है, आपको पागल बोल रही है, बात सुनिए डॉक्टर साहब। हेलो बॉस, बॉस बॉस का फोन है, अब चलना चल चल। अरे डॉक्टर साहब मेरा फोन सिंघम को बेवकूफ बनाता है। कुछ नहीं डॉक्टर, ये सब तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर, एक है जो वहाँ पे लगातार फोन पे लगा हुआ है। हा? क्या बात कर, हाँ वो भी पागल है। वो आपसे पूछेगा कि पैसा कहाँ पे है, ठीक है, तो आप बोलना कि यहाँ आकर के साइन करके ले जाओ, ठीक है? सभी को तुम्हारी तरह होना चाहिए, ऐसे पागल को तुम कहीं भी देखो ना तो मुझे खबर कर देना। आप वेरी गुड वेरी गुड, मैं चलता हूँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। उसकी जरूरत आपको है, मैं चलूँगा। इधर से जाना है? हाँ इधर से। थैंक यू, टेक केयर। हेलो, हाँ बोल। आप सारे काम छोड़कर यहाँ आ जाइए। अल्लाह, अब इस गेटअप पे मुझे कोई नहीं पहचाने। अल्लाह, अच्छा वाला ठेला लगा कर कमा रहा था, इस जीवा के चक्कर में संजीव कुमार की तरह गेटअप बदलते फिर रहा हूँ। अल्लाह, आप मेरे साथ हमेशा रहिए ताकि मुझे कोई नहीं पहचान पाए। अल्लाह, मधुरा दूरा। रुक रुक रुक, कल ऐसे ही दुकान में धुआं किया था, धुआं गायब होते ही सामान भी गायब हो गया। दुकान से सामान गायब हो गया, चोरी का नया तरीका। ये चोरी करने वाले भी क्या क्या ट्रिक करते हैं, कहीं वो लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? हम थोड़ा सा धुआं दिखा दो क्या भाई? दिखाओ भी मत, यहाँ से जाओ, जब माल बिक जाए तब आना। तो फिर पैसे दे दो। ये लो ये लो, चलो निकलो, दे दो, जाओ यहाँ से। मेरा नाम अब्दुल रहमान, मेरा नाम अब्दुल रहमान, मेरा नाम अब्दुल रहमान।
इस गेटअप में तो अब्दुल रहमान का गाना गा रहा है। तो क्या इस गेटअप में हनुमान चालीसा और शीश चालीसा का पाठ करते फिर? इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिल्मी गाना गा रहा है, और कोई गाना नहीं आता? सिखा होता तो आता ना। बोला अरे भाई अभी अभी तो शुरू किया, 10 दिन में सब याद कर लूंगा मैं। देखने से तो तू मुसलमान नहीं लग रहा है। तो क्या आमिर खान लग रहा है? यहाँ से निकल रहे मेरे बेटा, नहीं तो इस गेटअप में भी पहचाना जाएगा। इस एरिए में लोग कुछ देंगे नहीं लगता है। ये क्या, इस एरिए में हर जगह चेक पोस्ट लगा हुआ है? दाढ़ी बढ़ाकर खंबे की तरह खड़ा है, कौन है तू? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। मैं मुल्ला हूँ। एक दूंगा कान के नीचे। क्या हुआ तुझे? इसे बेवकूफ बना रहा है, तुझे मेरे ग्रुप में मैंने कभी नहीं देखा। ये पूछने वाला तू कौन है? मैं इस एरिया का दादा हूँ, डॉन संप्रानी। डॉन संप्रानी? तो मैं क्या करूँ भाई? इसे इधर दे, शाम को मदरसे में आ जाना, वहाँ तुम्हारा नंगा करके चेकअप होगा। नंगा करके चेक करोगे? ये कौन सी चेकिंग है? खतना किया कि नहीं उसे चेक करेंगे। खतना की चेकिंग? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उड़ते हुए मेरी गोद में आ गया था 1.5 करोड़ रुपए। वो साला गांव का छोरा उसे ऐसे ही दबा कर ले गया। हमारे एरिया में एक 5-स्टार होटल बनाया हुआ है, क्या नाम है? बेर, बेर, बेर। चुप वीर। वो नहीं, अगर वो दोनों मेरे हाथ लग गए ना तो। अरे गेटअप में कितनी मेहनत है यार। सिंघम सिंघम सिंघम। अरे क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये देखो पकड़ो इसे, यही है, यही है। ये क्या इतने गुस्से में क्यों? कौन? वही। किसको पूछ रहे हो यार? वही गांव का सांड। और कौन? उसे तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? तू झूठ बोल रहा है, तुम दोनों मिले हुए हो, 1.5 करोड़ हजम करके दाढ़ी लगा के घूम रहा है वो सांड बड़ा फिर रहा है, कहाँ है वो? अरे मेरी बात सुनो, उसने हम दोनों को धोखा दिया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मुझे मेरी माँ की कसम। सच में? हाँ सच में। बैठ। हाँ ठीक है ठीक है, बैठ कर बात करते हैं। वीर अब तो क्या करेगा? तुम ही बताओ। वो गांव का रसगुल्ला अगर कहीं दिखे तो एक ही लात में नीचे गिरना चाहिए। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्या मैं तेरा दुश्मन हूँ? अरे नहीं भाई, उसके बारे में कहा। तो वो मेरा दोस्त है क्या? अरे बाप रे, मैं ऐसी बातों में फंस के रह जाता हूँ। अच्छा। दोनों आपस में दोस्त है, समझ गए? गलत सलत कहावत बोलोगे तो तेरी जुबान खींच लूंगा। वो क्यों? हम दोनों कौन है? दोस्त है। ठीक कहा। नाना जी सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाए इसीलिए हफ्ते में एक दिन व्रत रखा है। तुम्हारी माँ हमेशा बातों में लोगों को हराती थी, लेकिन अब देखो बिना बात किए पड़ी है। जीवा। हाँ नाना जी। वो पर्दा जरा खोलो तो। जानते हो ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ने अ से अनार लिखना है, इसी पे सीखा है। मेरे कंधों पर चढ़कर ना जाने कितनी बार इस दीवार पर लिख चुकी है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई करने की बड़ी सी स्लेट थी बेटा, इसीलिए ऐसे ही रखा हुआ है। जब जब उसकी याद आती थी तब इसी दीवार को देख लिया करता था। जानते हो जब तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर गई तो आखिरी बार क्या लिखा था? देखो इसे हमेशा देख देख कर मैं बहुत तड़पता हूं। नाना जी अब माँ आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अरे नाना जी ये तो लट्टू है। ये सिर्फ लट्टू नहीं है, उसके गुस्से को शांत करने का मंत्र है। बचपन में तुम्हारी माँ बहुत गुस्से वाली थी, जब जब उसे गुस्सा आता था इस लट्टू को फिरा कर उसके हाथ पर रख देता था। उस गुदगुदी में वो गुस्सा भूलकर हंस दिया करती थी। वो हंसी आज भी मेरे दिल से नहीं गई है बेटा। अजीत, जीवा को और उसकी माँ को मारने के लिए आदमी देखने आए हो या मुंबई में पार्क में ऐसे बैठने के लिए आए हो? मर्डरर से मुलाकात कब होगी? तुम चिंता मत करो, बेटी ने रिसर्च की जिसमें बहुत सारे गुंडों की फोटो और एड्रेस है, हमें उनमें से एक सेलेक्ट करना है। ये कैसा है?
अरे इस तरह के टिपिकल खूनी को लेकर जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये खूनी है। थोड़ा डिसेंट सा दिखने वाले को देखो ना। खून करने के लिए डिसेंट आदमी चाहिए। अरे उसी पर तो वो बुढ़ा शक नहीं करेगा। तो ठीक है जरा इसे देखो। ये अच्छी चॉइस है। सिंगम सिंगम भागो मत भागो मत। मैं उस सिंगम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फोटो वाले सिंगम की बात कर रहा हूँ यार। तो इनमें कौन सा सिंगम है? अरे इसी का नाम तो सिंगम है। फकीर ठीक से नहीं कह सकता था क्या? तुम इसे जानते हो क्या? अरे जानते हो क्या, मेरे सामने इसकी आवाज नहीं निकलती। तो फिर हमें इनके पास लेकर चलो। क्यों? हमें इसे एक जरूरी काम करवाना है। तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करानी है तो ठीक है, मेरी फीस मुझे दे दो और चलो। सुनो तुम्हें तुम्हारी फीस मिल जाएगी, पहले इसका पता बताओ। फीस मिल जाएगी तुम्हें किस काम का? Hi guys, hello Veer. Waalaikum assalam Singham. जैसा वेश वैसा बोलना चाहिए। सलाम वालेकुम। निकल जाएगी। अच्छा नकली है क्या? हाँ। वो गैंडा मिला क्या? अरे उसे छोड़ो ना यार, अभी एक नया केस लेकर आया हूँ। इनका काम कर दोगे तो तुम्हारी फीस मिल जाएगी। इन दोनों के पास से? अरे हाँ भाई। ओके जो कुछ भी है जल्दी बताओ। इस फोटो वाले लड़के और उसकी माँ का दोनों का खून करना है। मैं तुझे खून करने वाला खूनी दिखता हूँ? इन्होंने कब खून किया? तुमने ही तो कहा कि तुम्हारे सामने बोलते नहीं। मैंने ये कहा था कि बोलेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, थोड़ा ही कहा था। ठीक है तुम हटो, मैं बात करता हूँ। हटो तुम हटो, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। दाढ़ी में आग लगा दूंगा। आग। हट जाओ। सर जरा मेरी बात सुनिए सर। अरे बोलो यार। अगर तुम ये डील करते हो तो तुम करोड़पति बन जाओगे। इधर दो। इस डील को दोबारा दिखाया तो तुम दोनों को खून करवाओगे तुम। यही तो है वो गैंडा जो मेरे पैसे लेकर भागा है। तुम्हारी ये डील पक्की। कहाँ भाग रहे हो? दीदी दीदी जाओ आप लोग यहाँ मेरे, मैं पकड़ लूँगी। पकड़ लिया। हाँ बहुत बढ़िया खेल खेल रही है। देख रहे हो इस मुनीम की बेटी को, हाथ से निकलती जा रही है ये। अरे सब देख रहे हैं दिव्या, छोड़ो। मैंने भी जानकर पकड़ा। अब मैंने कहा छोड़ो। हाँ हाँ जब देखो नाना के पास रहते हो, माँ के पास रहते हो, इस डॉक्टर के पास कब रहोगे? अरे अरे बच्चों यहाँ पर पकड़ो। अरे वहाँ जाओ। हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया। सिंघम तुम यहाँ कैसे? आंख मिचोली का खेल तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो खेल लेते हैं। See you later, buddy. अरे सुरेश, आओ सुरेश, बताया होता तो मैं गाड़ी भिजवा देता। अचानक आकर शॉक कर दिया तुमने। ये क्या आप सुरेश कह रहे हो? इसका नाम सिंघम है ना? लेकिन अब तो सुरेश है ना। ये कब से हुआ? अभी से। अभी से हुआ? नमस्ते सुरेश। आओ सुरेश, हम अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। माय बैग इज इन द कार, गेट इट। तुम बैग लेकर आओ। ठीक जाओ। हमारी फैमिली बड़ी फैमिली है, इंट्रोड्यूस कराने में आधा घंटा लग जाएगा। वो है बिग ब्रदर और वो है स्मॉल ब्रदर। अमेरिका में मैंने कहा था ना लायन, ये वही है। इधर आओ। वो लाल साड़ी वाली ये मेरी बीवी, हरी साड़ी वाली लगेज वाले की बीवी, काली साड़ी वाली इनकी वाइफ। इन्हें मैंने कहीं देखा है लेकिन। इतनी फैमिली प्लानिंग है? मेरी एक बेटी है जो मुंबई में पढ़ रही है। ओह वेरी गुड। क्या हुआ? बुटा गया बुटा। तुम इनके पैर छू लेना, जरा मक्खन लगाना। खुश रहो बेटा खुश रहो। लेकिन ये है कौन? इनका नाम सुरेश है, मेरे दोस्त का लड़का ही। अच्छा। अमेरिका से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, हमारे शहर में ये 5-star होटल बनाने के लिए आया है। ये तो कह रहा था कि ये किसी होटल में ठहर जाएगा। मैंने ही जिद करके इसको कहा कि नहीं मेरे घर चलो वहीं रह लेना। अरे होटल में किस लिए जाकर रहेगा बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारा काम खत्म ना हो आराम से रहो यहाँ। जी हाँ जब तक आपका काम खत्म ना हो यहीं पे रहिए। थैंक यू थैंक यू। अंकल। हाँ बेटा बोलो क्या बात है? इन्हें मैंने कहीं देखा है लेकिन कहाँ देखा याद नहीं है। ये कहीं पहचान तो नहीं गई? क्या कह रही हो, ये अभी अभी अमेरिका से सीधा यहाँ आया और तुम कह रही हो कहीं देखा है? दुनिया में 7 लोग एक जैसे होते हैं और ये भी उनमें से एक है। अपनी बुद्धि बेकार जगह मत लगाओ, ज्यादा पढ़ने से ऐसे ही कन्फ्यूजन होते हैं। ऊपर जाकर किसी और को कन्फ्यूज करो ना, खुद कन्फ्यूज हो ना मुझे कन्फ्यूज करो। अब जाओ 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 जाओ। ओके अंकल। जाओ। इसे कैसे संभाला जाए? सिंघम ये कहां चला गया? ए, सिगरेट नीचे फेंक। मैंने कहा नीचे फेंक।
तू बहुत बड़ा एक्टर, किसी को शक भी नहीं हुआ और तू इस घर में घुस गया। इस औरत का सगा बेटा बनने का क्या जबरदस्त आइडिया है तेरा। hey, तुम किस लिए आए हो मुझे पता है। जायदाद के लिए, मेरी माँ और मेरा खून करने के लिए उन लोगों ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह सिंघम, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, इनको कुछ मत करना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। डरो मत ब्रदर, मैं तुम्हारा और इस औरत का खून नहीं करूंगा। मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, मैं चला जाऊंगा। पैसे 1.5 करोड़, सारी गड्डियां, गांधी जी एकदम कड़क नोट, और क्या। hey, तुम्हारे पैसों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ब्रदर, किसी को धोखा देने के लिए बाल लगाकर जट बनाकर घूमना ठीक नहीं है, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। 2 दिनों का टाइम देता हूँ ब्रदर, अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो सोच लेना। hey, किसे डराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे पसंद नहीं। पहले भी तूने मेरे बाजुओं की ताकत दिखी है, तो डालूंगा तुझे। सुन, तेरी बेटी पैसे इनके सामान के साथ है या नहीं मैं खुद ढूंढूंगा, तब तक अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये पागल आदमी हम सबको पागल बनाकर चला गया। बॉस हम सब पागल हैं, ये बात अब अपने मुंह से मत बोलिए बॉस, अच्छा नहीं लगता है। 1.5 करोड़ बे, 1.5 करोड़। ए, अगर ये मेरे हाथ में पड़ गया ना। ए सुनो ना, तुम कल की तरह मेरे साथ खेल खेलोगे क्या? ए, चला डिया से। तेरी मेरी कुट्टी, मेरी किस्मत। मुझे घर भेज सकते हो, होगी क्या? मुझे इडली। तुम्हारी मीटिंग खत्म हुई कि नहीं? लगता है ये वैसा ही है। सर, इसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करो। क्या बात है, हिसाब लगा रहा है। क्यों सर, आज हम लोग को रिलीज कर रहे हो क्या? कैसे हो तुम? तुम्हारे बॉस की बीमारी बढ़ गई है, इसलिए तेरी तरह उसका टकला बनाकर वैदिक उपचार के लिए हरिद्वार भेज रहे हैं, समझे? हे डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ, हरिद्वार नहीं जा सकता मैं। तुम मेरे बारे में नहीं जानते। अरे तेरे बारे में सब जानता हूँ, इसलिए तुझे हरिद्वार भेज रहा हूँ, समझे? अच्छा एक बात बता मुझे, 3 महीने में 4 लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया? 4? ये तो 2 कम बता रहा है। वार्ड बॉयज, इसे गाड़ी में बिठाओ, चलो। सुन डॉक्टर, हम लोग पागल नहीं है, चुपचाप हमें छोड़ने को बोल। ठीक है, मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो, वरना तुम्हें बेहोशी की दवाई देनी पड़ेगी। अरे पीछे से ठोक दिया, तुम में से कोई अगर भाग कर। क्या करूं, लेकिन ठीक से हो नहीं रहा। हेलो लेडीज, व्हाट इज कुकिंग? ये यहाँ पे कौन सी चीज है? ओ मुर्गा है, पंख भी चिपके हुए हैं। जब तक ये जिंदा था तब तक तो ठीक था, इस हालत में आने के बाद सब साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए ये नमक मसाला काफी नहीं है, अदरक, काली मिर्च, ये सब कुछ डालना चाहिए। फिर एक दुकान जिसे मैं जानता हूँ, वहाँ पे ओल्ड मंकी नाम का मसाला मिलता है, वो इसमें डालकर अगर इसे सीधा तेल में डालोगे तो ये मुर्गा खुशी से कुकड़ू कू करने लगेगा। कहीं से काटने की महक आ रही है। क्या कर रही हैं आप? व्हाट आर यू कटिंग? काट रही हूं। अरे ऐसे तो गर्दन भी नहीं कटेगी। भिंडी कैसे काटी जाती है मैं आपको बताता हूँ। चाकू ऐसे लीजिए और भिंडी ऐसे, भिंडी को नीचे रखिए और ऐसे कट 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 करके काटिए, वरना आपके हाथ कट सकते हैं, समझ गए ना आप? आंटी हा? ये क्या कर रही हैं आप? पूरा आटा बाहर टपक रहा है। ओ चकली है। ओहो इसे ऐसे नहीं बनाते, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगी। लक्ष्मण वहाँ देखो, ये हाथ में पकड़िए, इसे ऐसे दबाइए तो चकली आराम से प्लेट में गिरेगी। अगर आपको समझ में आया तो मुझसे बताइएगा, ठीक है ना? दोबारा सिखाऊंगा। मेरे पति को देखो, एक दिन भी मुझे ऐसे चकली करना नहीं सिखाया। वो बेचारी इस उम्र में ये सब कैसे करेंगे। मैं हूँ नमस्कार। अभी आई, यहाँ से कुछ पकौड़े तलने की खुशबू आ रही है। वाह प्याज के पकौड़े, लगता है घर में सबको पसंद है। एक छोटी सी एडवाइस, गैस को पहले आप थोड़ा सा लो कर लीजिए, अब ये बिना जले पकेगा। दादाजी के लिए कॉफी देना, मैं अभी लाती हूँ। नो, दादा को कॉफी देना उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा? एक काम करता हूँ, मैं उनके लिए सूप मिक्स करके देता हूँ, ये उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है? हेलो या, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खून करने ना? चाकू लेकर खून करने के लिए कहा था, तुम यहाँ किचन में आकर औरतों के साथ सब्जियाँ काट रहे हो क्यों? बैड बॉयस, लगता है तुम दोनों का ऊपर का भेजा खाली। मर्डर करने को तुम लोग इतना आसान समझते हो क्या? उसके लिए करेक्ट प्लान होना चाहिए। फर्स्ट होम डिपार्टमेंट, उसके बाद मेन डिपार्टमेंट। मैं जो करूंगा उसे साइलेंट किलिंग कहते हैं, ओके? दिमाग मत लगाओ, चुपचाप देखो, समझे?
तुम्हें जो करना है करो, लेकिन भगवान के लिए वो चकली बनाना बंद कर दो। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओह, वो मेरी बीवी है यार। इज इट? हाँ, इनके तो बच्चे भी हैं यार। हाँ, तो तुम लोग सिखा दिया करो ना। ठीक है, तुम्हें सिखा देना। दीदी, इस लड़के ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, इसीलिए खाना कैसे बनाना चाहिए सब पता है। और हमारे पल्ले जो पड़े हैं ना, उन्हें एक भी काम नहीं आता। रुक जा तो। अरे पल्लवी, अपने अभी के लिए सुरेश अच्छा रहेगा, बात कर ले क्या? हाँ, बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। खुले पैसे दो। अरे तुम, अरे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। जाओ जाओ। साहब पैसा लगता है। अरे करके तो आने दो, फिर दे दूंगा। मग कौन ले गया? अरे दे 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 भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? साहब आपको कहीं मग दिख रहा है क्या? हाँ भाई, मुझे तो दिख रहा है। क्या क्या? अरे इस वीर ने आज तक कुछ मिस नहीं किया, खाली ये मग मिस हो गया। अच्छा तो आप ही हैं वो जनाब वीरदास? यस। सरपंच जी, पहचान लिया ना? अब तो तेरी का है वो? वो कौन? जीवा। वो तो हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में वो कहाँ मिलेगा? वो तो मुझे पता नहीं। तुझे नहीं पता? नहीं पता। उठाओ रे, उठाओ ना, चलो मुझे गाड़ी में नहला दो। आजा तू, आजा। अरे आजा दे रहा था, आजा। अरे नहाने तो दीजिए भाइयों, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ क्या ढूंढ रहे हो बेटा? नाना जी, एक अटैची नहीं मिल रही, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अटैची ना? अरे वो तो मेरे दराज में है। इस दराज में? हाँ, ले लो। अच्छा, रुको बेटा। अटैची में इतने पैसे रखे हैं, वो भी इतनी लापरवाही से, जाकर बैंक में जमा कर दो। ठीक है। सिंघम, सिंघम कहाँ चला गया ये? ऐसा फालतू का चेहरा बनाकर खेलने के बजाय खाना खाकर अपना काम क्यों नहीं करते? मुनीम जी, मुनीम जी, क्या हुआ? माँ अपने कमरे में नहीं है, कहाँ गई वो? अरे वो क्या हुआ ना बेटा, माँ पूरा दिन घर में ही रहती है, तो सुरेश ने कहा कि चलो माँ को झील तक लेकर चलता हूँ। झील तक लेकर क्या है? सूरज, गाय को ढूंढने बछड़ा जा रहा है, अपने शेर को बोलो दोनों का वही काम तमाम कर दे। ये कहाँ आ गए हम यू ही साथ साथ चलते। मम्मी डोंट वरी, आप अकेले कमरे में अंदर पड़ी रहती हो ना, चेंज दिलाने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। मम्मी एक छोटा सा डाउट, आप कैसे आंखें झपकाए बगैर मुझे देख रही हैं? डर लग रहा है मुझे। ये कहाँ आ गए हम? एए! तेरी अटैची ले आया हूँ। वेट वेट, कमिंग। आ गया जीवा, आ गया। वन एंड टू एंड पेटी हैज कम, पेटी हैज कम, मम्मी पेटी हैज कम। सीधा सीधा मांगो तो कोई नहीं देता, पेटी में कैश है ना, होना चाहिए। दिखाओ, ये ले। लक्ष्मी को फेंकना नहीं चाहिए। सॉरी लक्ष्मी मैडम। सेंटीमेंट के बारे में तुम क्या जानोगे? अपने सगे संबंधियों के साथ रहते तो पता चलता। लड़ाई झगड़ा मारा मारी करके प्लेटफॉर्म पर पले बड़े हो तुम। ये कहाँ गए? जान की कीमत लगाते हो तुम, अपने पैदा करने वाले की भी कीमत लगाओगे? एए, इन पैसों से तुम क्या खरीदोगे? सिंघम, जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। दूसरों को डराकर तुम पैसे कमा रहे हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे, ये हमेशा खुश रहेंगे। क्या हुआ? वजन थोड़ा कम लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कमीशन ले लिया होगा, इट्स ओके। ब्रदर, लगता है टीवी बहुत देखते हो, इतने सारे पंच डायलॉग तुमने ढुक ढुक करके मार दिया। इट्स ओके बॉस। मम्मी बाय, इसके लिए ही आया था, काम हो गया, अब चलता हूँ। ओके hey, तू अभी तक यहाँ से नहीं गया? मैंने तेरी बातों को सोचा, उसमें कुछ बातें मुझे अच्छी लगी। अब देख, तेरे और इनके बीच कोई संबंध नहीं है, फिर भी तू इन्हें बचाना चाहता है।
मेरे और तेरे बीच में भी कोई संबंध नहीं है, फिर भी तू चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे क्या होता है कि माँ क्या होती है, ममता क्या होती है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा रुक गया मैं। एक फैसला किया है ब्रदर, ये मार पीट लड़ाई झगड़ा कुछ दिन के लिए बंद करके यहाँ इंसान बन के जीना चाहता हूँ। सपोज अगर आधे में मैं यहाँ से भाग गया तो यहाँ पे जिन कुत्तों ने मुझे भेजा था ना, वो किसी और को पकड़कर तुम दोनों को मरवाने के लिए यहाँ पे भेज देंगे। इससे बेटर है कि मैं ही यहाँ पे रुक जाता। तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे मैंने सोचा नहीं था। मैंने भी, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। तुम्हारी आदत है, कोई बात नहीं। वो लोग तुम्हें हमारा खून करने के लिए बुलाए थे ना, अब उन्हें कैसे संभालोगे? कोई टेंशन नहीं है ब्रदर, तुम दोनों का खून मैंने कर दिया है, कुछ दिन तक ऐसा नाटक करूंगा मैं। सच्चाई उन्हें पता चल गई तो उन्हें टपका दूंगा, यू डोंट वरी, लीव इट टू मी। एक बात और ब्रदर, मैं और माँ दोनों बोटिंग में गए थे ना, मैंने इनकी आंखें देखी थी, बहुत पावर पावर है उसके अंदर, सीधा दिल में घुस जाती है। वो क्या था कि मैं चलता हूं ब्रदर। माँ, अब से आपका सिर्फ एक बेटा नहीं, दो बेटे हैं। चंदन, मेरी मम्मी ने चाबी रखी है क्या? नहीं रखी है, ले लो। ये क्या है? पैर है। ऐसे ले जाकर कहीं और रखना। मुझे ठंड लग रही है। ये क्या कर रही? मुझे अजीब लग रहा है। मुझे भी अजीब लग रहा है, पर तुम सो जाओ। ऐ, तुझे शर्म नहीं आती क्या? मुझे ठंड लग रही है। तुझे ठंड लग रही है तो मैं ही मिला हूँ क्या? यहाँ सब लोग घोड़े बेच कर सो रहे हैं। ऐ पंडित, इसको पीछे खींचो ना। अरे तू एंजॉय कर, मुझको सोने दे। एंजॉय करो, ठीक है रहने दो, ये लड़की भी क्या याद रखेगी। सिंघम, हम दोनों अब दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। इस घर में किसी को इसका शक तो नहीं हुआ ना? हम दोनों लवर्स की तरह इस तरह चोरी चोरी मिलेंगे तो किसी को भला क्या शक होगा? क्या बात करते हो? डैडी, मम्मी, डैडी, पर मम्मी ना। ये आवाज मैंने कहीं सुनी ऐसा लगता है। अरे क्या बात है? तुम जरा यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। मम्मी, ये किसकी आवाज है? दादाजी, चाचा जी, कहाँ गए सब लोग? अरे ये यहाँ पे कैसे? अरे क्या हुआ? सुन, हमारी पैन फाड़ने के लिए मुंबई से एक डाल्डा टीन आई। डाल्डा? अरे हाँ यार, चल ना, देख उधर देख। चाचा जी, वो लड़की है ना, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था और मेरे साथ उसने गाना भी गाया था, मैं क्या करूँ यार? अरे ये तो अपने अजीत मामा की बेटी है। उनकी बेटी है? वो जानती है कि मैं सिंघम हूँ, मैं तो गया। अरे उसका रास्ता निकाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। अरे ए सिंघम, क्या हुआ बेटी, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? वो क्या है ना बेटी, तेरे लिए लड़का ढूंढ रखा है। लड़का मेरे लिए? देखो अभी लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है, पता है उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। क्या कह रहे हैं आप लोग? हम सभी को लड़का बहुत पसंद है। क्या पापा और दादाजी ये बात जानते हैं? अरे तुम लड़के को एक बार देख तो लो, उसके बाद दादाजी को हम दिखा देंगे। ओके ठीक है, जल्दी से बुलाइए उस बेवकूफ को। अरे बाप रे, मैं क्या करूं, सारे लोग इधर ही यहां बैठे हैं। अरे सुनिए तो, अरे यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए ना बाहर चलिए। हाय अभी तो कब आई? मेरे लिए कोई लड़का देखा है इन्होंने? तेरे लिए लड़का? चलिए, मुझे शर्म आ रही है, मैं पास में आकर के चलता हूँ। देखिए मुझे धक्का मत दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा, ये गलत बात है। अरे तो और कैसे शर्माइए मत,
तो ये है वो लड़का, जरा आप अपनी शक्ल दिखाएंगे प्लीज? मैंने ऐसा क्या कहा? नकाब तो हटाइए। म्याऊ। अरे तुम, ये तो सिंघम है। सिंघम? कौन है सिंघम? कैसा सिंघम? माँ ये पता है कौन है? मुंबई के बहुत बड़े गुंडे हैं। अरे क्या इसे गुंडा बोल रही है? ये कोई सिंघम विंघम नहीं है। क्या कहा? तुम सिंघम नहीं हो क्या? ऐसे ही मुंबई से जो भी अमेरिका जाता है वो मुझे देख करके सिंघम ही समझता है। बट यू सी, मैं वो सिंघम नहीं हूँ। करेक्ट लेडीज, वो मेरा भाई है। मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। He's lying to everyone. Don't believe him. He's trying to cheat us. क्या बात है? क्या नहीं मानोगी तुम? उस दिन सरदार की शादी में मैं आप लोगों के साथ नाची थी ना? अरे नहीं, अभी मेरी बात तो सुनो। हाँ अभी हाँ, हाँ। ये मेरे दोस्त विनायक का बेटा सुरेश है, ये अमेरिका से यहाँ होटल बनाने आया है। मैं इसे जबरदस्ती अपने घर ले आया और कहा कि हमारे घर में। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। प्लीज प्लीज, आप सभी अपना वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे। साइलेंस प्लीज। मुझे लगता है आप सभी लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं। उसे सुधारना मेरा फर्ज है ना? ये बात किस समय की है ठीक से मुझे पता तो नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 8 साल थी और मेरे भाई की 5 साल। मेरे बहरे बाप की परेशानी से तंग आकर मेरी माँ घर के सारे जेवर पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई। लो शुरू हो गया। इस दुख की वजह से मेरे बाप ने हम दोनों को अमेरिका ले जाने का प्लान कर लिया। ठीक है सोचकर हम सब ने, इतने से ही तो थे हम, ब्लू माउंटेन से मुंबई की तरफ जा रहे थे। मुंबई स्टेशन पर एक मोटी औरत ट्रेन में चढ़ गई। उसके पास टोकरी भरकर आलू के भजिए थे। आलू के भजिए खाने की वजह से उसको हिचकी आने लगी। बेचारी, पानी ही नहीं था, इधर उधर ढूंढा पानी नहीं मिला, मन नहीं माना। मैं और मेरा भाई उतर कर प्लेटफॉर्म से एक बड़े से जग में पानी लेकर आ रहे थे। ऐसे उसी वक्त ट्रेन के इंजन में जो ड्राइवर था उसने अपनी ट्रेन चला दी। हम दोनों ट्रेन पकड़ने के लिए भागे दौड़कर। मैं तो चढ़ गया और चढ़कर उस औरत को पानी पिलाने लगा। अचानक मैंने देखा कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, वो ट्रेन में चढ़ा कि नहीं, मैं उसे ढूंढने लगा। मैंने देखा कि मेरा भाई प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है। भैया भैया कहके चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था। मैं भी भाई भाई कहके चिल्लाने लगा। ट्रेन चलती जा रही थी और चली गई। हे भगवान, भाई से बिछड़े 1 साल हो गए थे। बेचारे मेरे भाई से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया था। कई सालों के बाद हम लोगों को पता चला कि हमारा भाई मुंबई में बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। भाई के मिलने से बहुत खुशी हुई। कभी कभी उसे फोन पे बात भी करता था। वो चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, लेकिन उससे कोई डरता ही नहीं था। पैसों के लिए बहुत परेशान था, कोई उसे हफ्ता तक नहीं देता था। मैं ही उसके पास पैसे भेजा करता था। कुछ दिनों के बाद उसका फोन भी बंद हो गया। मेरा भाई कहाँ गया कुछ पता नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा, अमेरिका के FBI में कॉन्टेक्ट किया और इंडिया के CBI को भी बताया। यहाँ की पुलिस ने भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला वो। अब आपके कहने के बाद पता चल रहा है कि वो अभी भी मुंबई में है। आह, अगर ये बात मेरे बहरे बाप को पता चल गई तो वो खुशी से अंधे भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब आप समझ गए ना कि मैं वो नहीं हूँ। सो आई विल गो एंड फोन माई डैडी टेलिंग ब्रदर इन मुंबई। ओके, थैंक यू वेरी मच। मानो या ना मानो, मुझे जो बताना था बता दिया, मार डाला। सुनो, अब तो तुम इस पर कभी भी शक नहीं करोगी ना। ए, सुनो भाई, मैं आ रहा हूँ। सुना सबने सुरेश की सुख भरी कहानी सुन ली ना सबने? 5 सीरियल्स एक साथ देखने का मजा आ गया होगा। चलो। मैंने भी इस पर पहले शक किया लेकिन ये वो नहीं है। ये कहाँ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो सुरेश है ना, वो फॉरेन रिटर्न है कहा था ना, उसका पासपोर्ट या वीजा कुछ है या नहीं वो देख रही हूँ। तुम्हें ना किसी पर भी शक हो जाता है, ऐसे किसी का सामान चेक करना गलत है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हेलो बेबीज, तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रही हो? आप फॉरेन रिटर्न है ना? कोई शक? हाँ, पासपोर्ट वीजा है या नहीं वो देख रही थी। हाँ, मैंने अपनी कहानी इतनी इमोशनली सुनाई फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं हुआ ना? फाइन, सब फिनिश। ये तुम्हारा घर है या मेरी प्राइवेसी गई? सो आई एम गोइंग। तुम मेरे रूम में घुसोगी, मेरा बैग खोलोगी, मेरे कपड़े खोलकर देखोगी। सब तेरी बढ़िया है। चुप कर। मैं 5 स्टार में रुकने वाला था लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पे यहाँ आया। आई शुड नॉट लिसन टू हिम, आई शुड स्टे इन अ 5 स्टार होटल, नॉट इन दिस हाउस। लेकिन एक छोटी सी बात, शक लड़की को हो सकता है लेकिन लड़की हमेशा शक में नहीं रहनी चाहिए, राइट? वैसे कपड़े तुम्हारे अच्छे हैं। अरे सुरेश, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी मर्जी से नहीं जा रहा ब्रदर। तो ये लोग मुझ पे शक कर रही हैं, मेरा सामान तक चेक कर रही हैं ये। क्या अभी मेहमान के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है?
कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारा डाउट क्लियर हो बस? सुनिए, सिंगम अलग है, सुरेश अलग है, ये मान नहीं रही है। तुरंत जाकर सिंगम से मिलाइए और इसका शक दूर कीजिए, जाइए। अरे नहीं दिव्या, मेरी बात तो सुनो। आप जा रहे हैं ना? ठीक है, फंस गया। अब चलो, अब तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। अरे ये सब क्या हो गया? ए आइडिया किंग, ये सर हिलाने की क्या जरूरत थी? तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? अरे तो कुछ बोलकर संभाल लिया होता ना। क्या बोलकर संभाल लेता? तुम नहीं गए, अगर वो चले गए तो उनसे पहले पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर पे थोड़ी जा सकते हैं। हाँ? सोचने वाली बात है। अब क्या सोचने लगे? हाँ? अच्छा सुन, वो यहाँ से नहीं जाएगी, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? वो नहीं जाएगी, लेकिन मुझे कहाँ जाना है मैं जानता हूँ। जाओ, जिसको भी लगी हो जाओ। जब किसी को लगेगी तो ही जाएगा ना, जबरदस्ती भेजोगे? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना। तुम बस सुबह 10 बजे फोन करना मत भूलना, ठीक है? जीवा, जीवा, कहाँ जा रहे होगी? फिर जा रहे हो? जाओ जाओ, जल्दी जाओ। याद रखना, फोन करना मत भूलना। अरे वीर, हाँ वीर, तुम्हारा पता ढूंढने के लिए वो लोग मुझे हरिद्वार की गली गली में 2 महीने से घुमा रहे हैं। कौन? वहाँ देखो। कौन है वो लोग? वो लोग सरपंच के आदमी हैं और वो उनकी गाड़ियाँ हैं। कौन? तुम्हारा ससुर यार। भी सरपंच? नहीं, यहाँ लेकर क्यों घूम रहा है? मैं लेकर घूम रहा हूँ, उनसे झूठ बोलकर तुझे सचेत करने आया हूँ। तू बोलता मैं लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन पहले हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन कहाँ? तुझसे मुझे एक जरूरी काम है। फिर जरूरी काम? अरे वो कहाँ गया, जाकर ढूंढो उसे। अरे तुम सर सर सर, आप कौन है मुझे बताएंगे जरा? जहाँ बताना है वहाँ बता दूंगा। मेन एंट्री किधर से? यही है सर। इधर से? सर आप हैं कौन? सर सर बताइए ना सर। बेटा, ए बेटा, ए कौन हो तुम और यहाँ खड़े खड़े बेटा बेटा किसे चिल्ला रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? अजीत कहाँ है? क्या? मैंने कहा अजीत कहाँ है? सामने खड़ा है। मुझे जिसने मारा वो कहाँ? ये रहा। hey, आखिर मारा क्यों तुमने मुझे? और तुम हो कौन? कौन हो तुम? अरे अंकल, पता नहीं चला ये कौन है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे आपके अमेरिका के दोस्त सुरेश के पिताजी। सुरेश के पिताजी? उनके पिताजी बे। क्यों बे? दाढ़ी रख ली तो तू शक्ल भी नहीं पहचानता। बचपन में साइंस के टीचर ने सवाल पूछा था तो डर के मारे कुएं में छुपे थे और मार खाई थी। तू भूल गया क्या? मैं वही विनायक दास हूँ। आई एम फ्रॉम अमेरिका। ये कौन घर में शोर मचा रहा है? वीर, अभी तक तुझे याद नहीं आया? कैसा यार, यहाँ कब आया? इस गेटअप में अच्छा लग रहा है यार। ये रंगीन दाढ़ी कहाँ से खरीदी? इडली की दुकान बंद कर दी क्या? अरे बाप रे, मर गया, तू नहीं तो बताया नहीं था क्या? अरे तेरा बाप। कौन? किसका बाप? किसका बाप? सुरेश का बाप। सुरेश का? अरे कोई और नहीं मिला क्या? ओ डैड, वेलकम इन इंडिया डैड। माय सन, तेरी मम्मी तुझे देखे बिना सोती नहीं है। मम्मी वो भी है क्या? कहाँ है वो? दिख नहीं रही है। अगर जरूरत होगी तो आएगी ना भाई। कौन कौन किस किस वेश में आने वाला है पहले बता दिया कर भाई। क्यों बेटा, तू कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या करता है डैडी को फोन करके बता नहीं सकता? तेरी इडली की दुकान में फोन लग गया क्या? याद मत दिला, भूल जाएगा ये सब कुछ। भूल गया तो दोबारा याद करा। डैडी, आप साउथ अफ्रीका में हो या कैलिफोर्निया में हो या इटली में हो या दुबई में, ये कैसे पता चलेगा? ए भाई, ये सब शहर है क्या? ओए जितना बोला है बस उतना ही बोल। वो क्या है कि माय सन, तेरा लक्ष्य $10 करोड़ कमाने का। पहले से जो 5 करोड़ डॉलर से उनका क्या हुआ? बाप रे, ये मार खिलाएगा यार। अब वो सब तो तेरी छोटी माँ ने ले लिया ना बेटा। तो फिर बड़ी माँ के लिए? बड़ी माँ, बड़ी माँ। वो है ना वो। डैडी जरा इधर देखिए, ऑल दिस ब्यूटीफुल लेडीज मुझे कितना पसंद करती हैं, पता है? हाँ, ये तो फिर से शुरू हो गया। अब इसका क्या करूँ? अभी तक तूने छोड़ा नहीं क्या? इसलिए छोड़ना डैड, एक जरूरी बात, इन आंटी की उस इकलौती लड़की से मेरी शादी हो, यहाँ पे सभी लोग यही चाहते हैं। क्यों? मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। क्यों? देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे स्टेटस के बराबर ये फैमिली नहीं है। अच्छा, अपना हाथ मुझे दीजिए। लो। अरे मेरा हाथ टूट गया। मैं इस लड़की से शादी कर बैठा। छोड़ो, क्या हुआ? कौन है ये? तुम डैडी बोल रहे हो और ये सन कह रहा है, और तुम मेरी बेटी की तरफ इशारा कर रहे हो। तुम्हारी बेटी को भरोसा आ जाए इसलिए हम ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो यार। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। अरे वो सब आप लोग ऐसे क्यों देख रही हो? आपको देखा तो मेरी बीबी मुझे याद आ गई। अरे डैडी, ये सब क्या चल रहा है? मैं मेरी भावनाओं को समझो बेटा। This is too much. सभी को पैसे भिजवा दिया ना। ये ओल्ड मैन कौन है? ये कोई नई सेटिंग है क्या? ओरिजिनल है। आई एम अमेरिकन पर्सन,
माई सन। आई एम हिज सन। ये साहब कौन है? नाना जी, ये सुरेश के पिताजी हैं। जी मेरे पिताजी, अजीत मामा के बचपन के दोस्त। साहब, मंत्री साहब, नमस्कार। नमस्कार। अरे, अरे ये मंत्री जी नहीं है, ये तो इस घर के मालिक हैं। इस घर के मालिक हैं? ये देखने में तो बिल्कुल मंत्री जी जैसे लग रहे हैं, इसीलिए धोखा खा गया। बात कहूं? कहिए। आपका लड़का हीरा है? हीरा? हाँ, मेरा ही है ना। ये है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो तो कौन है। आप यहाँ पर कुछ दिन रुक कर ही जाइएगा। बिल्कुल। हेलो, कौन है? हेलो, सुरेश जी है क्या वहाँ? हाँ है। यहाँ सुरेश जी के भाई सिंघम का खून हो गया है। अच्छा। हाँ, ये बात आप उन्हें कह दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे बहुत हंगामा है, उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है, कहिएगा। आपके लिए फोन था। मेरे लिए? हाँ। कौन था? एक सैड न्यूज है। कोई बात नहीं, सुनाइए। बात ये है। हाँ, कि बोलिए। किसी का खून हो गया है। किसका? आपके भाई सिंघम का, किसी ने खून कर दिया है। सिंघम? ऐसा नहीं हो सकता। सिंघम, सिंघम, ओ सिंघम, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? क्यों भाई, जिंदा आदमी को मरा हुआ क्यों बता रहे हो? अच्छा ये बताओ कि मैं हंसू जा रहा हूँ? मरने वाला तेरा बेटा है। बेटा सिंघम, ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता हमें चुपचाप रहना। ओवर एक्टिंग मत कर, पकड़ा जाएगा। मेरा सिंघम बेटा। हाँ। मेरा भाई, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई सिंघम। ये लोग इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? सुरेश, सुरेश, छोड़ो से, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो, दूर, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अरे अरे सब ठीक हो जाएगा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry सुरेश, मैंने यहाँ पर शक किया। ये शादी का फैसला किससे पूछ कर किया है? हम सभी औरतों ने मिलकर ये फैसला किया। सुन लो, मुझे ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप खुद उसे अच्छा लड़का बताकर घर लाए थे और अब आप ही उसे गलत कह रहे हैं। अच्छा लड़का मिला है तो क्यों बेकार का प्रॉब्लम कर रहे हैं? ओहो, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसका असली नाम सुरेश नहीं है, वो सिंघम है। अभी तक इसका चल रहा था, अब आप भी शुरू हो गए। अभी बेटी, पापा की बात मानो ना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सब लोग मिलकर तुम्हारी शादी उस गुंडे से करवाना चाहते हैं। मेरी बात मानो, उसे शादी मत करना। सॉरी पापा, पर मैं उन्हीं से शादी करूंगी। Hey, कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं? हाँ, तुम लोगों को कैसे समझाऊंगी ये सब क्या है? हाँ? देखो, लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? लो, अब ये भी आ गए बीच में अपनी टांग अड़ाने। मेरी दोनों पोतियों की एक ही दिन में शादी होगी। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख कर शादी की तैयारी करो, जाओ। Yes, thanks, दादाजी। चलो, पागल कैसे थे, सो गए हम लोग अस्पताल से। कहाँ पर है वो लोग? वो लोग उस तरफ से भाग के आ रहे हैं बॉस। ए सिंघम! अरे सिंघम का ये दिखाई नहीं दे रहा। ए सिंघम, क्या सिंघम? कहाँ है सिंघम? लगा के बुलाओ उसको। लगाओ गाना। अरे भाई, हमने बजाया गाना मगर कोई नहीं आया, आखिर क्या बात है? हैं, कहाँ है वो? ये क्या पूरी गैंग है, एक साथ चली आई, अब सिंघम का क्या होगा? फंसा दिया यार, फंसा दिया यार। ए सिंघम, ये सब क्या है? क्या उधर देख। अरे ये तो अपनी गैंग है, ये सब यहाँ कैसे आ गए? हाँ कैसे आए? मैं अभी जाता हूँ उनके साथ डांस करके आता हूँ। ए रुक रुक रुक, तू अगर वहाँ जाकर नाचेगा तो सब जान जाएंगे कि तू सिंघम है। अच्छा, सिंघम भाई, सिंघम आ जाओ। आओ सिंघम। क्यों आऊँ? अबे रुकता हूँ। क्यों बेटा सिंघम, फंस गया ना तू? अरे जल्दी आओ सिंघम, कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो तो? सब उल्टा हो रहा है। उठो सब। सुरेश कैसे हो? सुरेश, अबे तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? आप ही सिंघम हो ये साबित करने के लिए हमें यहाँ लाया गया है, लेकिन हमें पता है कि हमारा सिंघम जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, इसलिए हमने पलटी मारी। उसे ना, उसे तो मैं देख लूंगा भाई। हमने बहुत मना किया मगर वो लोग मारे नहीं, उन्होंने हमारी आंखों के सामने हमारे भाई सिंघम को बेरहमी के साथ मार डाला। सुरेश, सिंघम को मारने वाले को हमने मारने का प्लान किया था,
भाई, बार बार हमें आपकी बातें याद आती रही, इसलिए छोड़ दिया। है? भाई कौन है ये सफेद दाढ़ी वाला? अरे वो, अरे ये सुरेश और सिंघम के पिताजी हैं। सिंघम को पैदा करने वाले शेर। पिताजी हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम लोग सुधर गए। ओए देना। ये क्या है? अस्थिया। क्यों भाई? हाँ। ये कौन सी राख भर कर ले आए मटके में? अरे कोई भी राख हो तू बस दुख का एहसास कर। ठीक है मैं करता हूँ। इसका कलर बहुत अच्छा है ना? अरे रो बे। अरे गधे, मैंने अपने बच्चे को क्रीम पाउडर लगा के बड़ा किया था, तुम लोगों ने उसे राख बना दिया। डैडी डैडी मारो मत, वरना गोली मार देंगे आपको। सिंघम की मौत के बाद अभी तो बेचारे बदले हैं। पिताजी चलिए अस्थियां बहा देते हैं। मैं अपने बेटे की अस्थि को अमेरिका ले जाऊंगा और वहां की गंगा में से बहाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता बेटे। मैंने तुझे कितने प्यार से पाला था। नाना जी ये सब मेरा भाई था ना सिंघम, उसके साथ के लोग हैं। डैडी को कुछ ज्यादा ही दुख हो रहा है। साहब आज मैं ये दिन देख रहा हूँ। देखिए जो होना था वो तो हो गया, मरने वाला वापस तो नहीं आ सकता ना, खुद को संभालिए। इन सब लोगों के रहने का इंतजाम करो और इन्हें शांत कराओ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो आप लोग यहीं रुकने वाले हैं ना? हाँ? ये साहब बहुत देर से रो रहे हैं लेकिन आंख से एक बूंद आंसू नहीं टपक रहा। यहीं रहने वाले हैं ना, फिर आ जाएंगे है ना। चलिए कहाँ? खाना खाने चलिए। सुरेश यही भाभी है क्या? इन दोनों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, वो सफेद कपड़े वाली तुम्हारी भाभी है। नमस्ते भाभी। वो मेरी वाली है। नमस्ते भाभी। सिंघम तुम तो इस घर में भाभी के साथ सेट हो जाओगे लेकिन हम सबको एक वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे, हमारे लिए कुछ रास्ता निकालो। रास्ता ना? आइडिया मास्टर यहाँ है, ये तुम्हें बता देंगे। आइडिया ना? वो तो मैं बहुत दे दूंगा, चलो आओ। ए तुम लोग ये जगह खाली करो। किस लिए? यहाँ जो रह रहा है वो सुरेश नहीं सिंघम है, ये कहने के लिए तुम्हें बुलाया था और तुम लोगों ने उल्टा बोलकर मुझे ही धोखा दे दिया। चुपचाप अपना सामान लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ ठीक है हम चले जाते हैं, तुम हमारा आने जाने का खर्चा दे दो बस। देखो हम लोग सेटलमेंट के चक्कर में 40 साल से सर्कस कर रहे हैं। ए, मैं कहता हूँ यहाँ से फौरन निकल जाओ वरना पुलिस स्टेशन जाऊंगा मैं। लगाओ भाई उस कैसेट को। लगाता हूँ भाई। इस फोटो में जो भाग्य लक्ष्मी और जीवा है तुम्हें उसे मारना है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे, बस कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। इन लोगों ने तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर ली है, कुछ भी देकर इन्हें यहाँ से दफा करो। ठीक है चलो बताओ कितना चाहिए। 50,000 लेकर निकल लेते हैं। अबे बेवकूफ पागल है, 50,000 मांगेंगे तो गोवा का टूर हो जाएगा। 50 दो। इतना नहीं दे सकता। ठीक है 45 दे दो। वो भी नहीं हो सकता। तो फिर 30। अच्छा चलो 30 दे दो। ना तुम्हारा ना मेरा 20 लाख। ठीक है कब दे रहे हो? कब दे रहे हो? सब लोगों के सोने के बाद मेरे रूम में आ जाना, वहाँ दे दूंगा। और सुनो रात में ऐसे लाल पीले कपड़े में मत आ जाना, ईगल थीफ्स खास ड्रेस में चोरी करते हैं, तुम लोग उसी ड्रेस में आना। उस ड्रेस में आओगे तो किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। ठीक है घर में वॉचमैन नहीं है लगता है, पूरा घर ऐसा ही पड़ा है। घर वाले लगता है कहीं टूर पर गए हैं। hey, hey, जल्दी ऊपर आ जाओ। भाई भाई देखो ये तो ना मुझे वॉचमैन दिखाई दे रहा है। hey, क्या करे ऊपर आओ। कैसे आए ऊपर? क्या कर रहे? ये लो जल्दी आ जाओ इस पे। देखो देखो चलो तुम लोग यहीं रुकना, मैं तिजोरी की चाबी लेके आता हूँ। चुप रहना चुप। अरे लगता है ये हमसे बड़ा उस्ताद है। ये भाई पैसे देना। भाई तुम्हें ऊपर रुकने के लिए कहा था ना, नीचे क्यों आए तुम लोग? चलो जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। अच्छा जाओ 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 चलो चलो चलो। मुझसे पहले नीचे कैसे आ गए पता नहीं क्या हो रहा है। पैसे दो और जान छुड़ाओ। जल्दी चलना यार। अरे जल्दी से चोरी करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। चल जल्दी आ जाओ चुपचाप आते रहो पीछे, बस उन्हें पैसे देकर पीछा छुड़ाना है। अरे कोई होगा भाई। हाँ। सपने में बड़बड़ा रहा होगा। घर में सब कुछ लोग हैं। कौन है भाई? देखते हैं। चलो जल्दी चुप जाओ।
अरे चल जल्दी इधर आ, पीछे आ जा मेरे, चल 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 यहाँ पे। अरे चुप रहो, वो कोई खूनी है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चलो यहाँ से। अरे चलो तो सही, पर चलो देखते हैं। अब बहुत देर हो गई, बहुत आराम से चलो, हमें तिजोरी को खतरा नहीं होना चाहिए। वो लोग ब्रदर, मुझे अंधेरे में डर लगता है। अरे ये रहे, अरे डर क्यों रहा है, मैं हूँ ना। हेलो, कैन वी कमिंग? ओए क्या बोल रहा है, देख वहाँ से जा रहे हैं वो लोग। ब्रदर क्या ये सब, चल चल चल। अच्छा चल चलते ऊपर, कोई देख लेगा नहीं तो, चल चल। अरे कहाँ गए वो लोग, ब्रदर देख कुछ लोग उस तरफ। अरे बाप रे, चंद्रमुखी का बंगला लगता है इस तरह सभी। अरे रुक मेरी बात सुन, अरे चलना पकड़ लेते हैं। अरे यार मुझे डर लग रहा है भाई। अरे तू चलना मेरे साथ, मैं हूँ ना। अरे क्या बात कर रहा है, वो कई लोग हैं। अरे चल, कितना बड़ा घर है, कहाँ ढूंढे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले, इधर इस तरफ, इस तरफ। हाँ निकल, चल 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 चल। पैसा देने का सोचा तो पता नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। वो ऊपर चाबी ले जाकर इंतजार कर रहा है। क्या बंगला है भाई, चंद्रमुखी बंगला लगता है। अब तक आए क्यों नहीं, वो लोग कहाँ रह गए। भाई जल्दी खोलो ना। ए, कैसेट कहाँ है वो? कैसेट? हाँ वो कैसेट देता हूँ, तुम डालो, ले लो कैसेट। हाँ ठीक है, अब तुम लोग जाओ। अरे बाबा पूरा डालो ना, तुमसे सिर्फ 20 लाख की बात हुई थी, अब जाओ। ए, चलो रे। हाँ चलो 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 चलते 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 चलो चलो निकलो निकलो निकलो। हेलो नकाबपोश, हेलो नकाबपोश, सुनो क्या कर रहे तू। हेलो अरे इधर सुन, ये रहे, चलो चलते चलो, मैं तो जा रहा हूँ, इधर आ मेरे साथ। अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। तुम गए इधर से, इधर से कैसे आए? पहले हमें पैसे दो। अभी तो पैसे दिए तुम्हें। हमें कहाँ पैसे दिए तुमने? Something is wrong. ऐसे ही जाएंगे तो फंस जाएंगे। तुम जब भागो यहाँ से, निकल चलो। चोरी कर रहा है, चोरी कर हेलो पुलिस स्टेशन की। ये सब क्या हुआ, कौन है ये लोग? मुझे छोड़ो सर, पहले इस चश्मे वाले आदमी को पकड़ो, ये आदमी मास्टर ब्रेन है। कौन कौन इनको बोल रहे? वो एक अच्छे इंसान है और तू उन पर उंगली उठा रहा है। अरे काय के अच्छे इंसान, हम बाहर से चोरी करने आते हैं, ये खुद के घर में चोरी करते हैं, इन पर भरोसा मत करो। अरे बोल सच बोल, ले जाओ ले जाओ ले जाओ इस आदमी को यहाँ से। ये चोर है, ये खुद चोर है। अरे हमें मत, चलो तुम लोग जाके सो जाओ। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने सुना नहीं, चलो। खड़े क्यों हैं, कुछ बोलिए ना। ये लोग अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान? वही तो हमें पता नहीं, नहीं, नहीं पता। स्कूल की विद्यार्थी पूजा की मुजरिम द्वारा बलात्कार करते वक्त उसकी मौत हो गई। सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इसमें अदालत को कोई संदेह नहीं है कि पूजा की मौत का कारण चंदन ही है। इसीलिए आईपीसी 302 के मुताबिक चंदन को ये अदालत फांसी की सजा सुनाती है। ए, ये कैसी आवाज थी? ये तो माँ की आवाज थी। हाँ? अरे माँ, नाना जी, क्या हुआ माँ? माँ क्या हुआ? माँ माजी को क्या हुआ? नथिंग टू वरी, इन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई होगी, इसलिए थोड़ा इमोशनल होकर प्रेशर ज्यादा हो गया। इस हफ्ते मैंने अपनी पोतियों की शादी रखी है, तब तक ये ठीक तो हो जाएगी ना? नाना जी, शादी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। नो, ये पूरी तरह ठीक होने की हालत में है। फाइन डॉक्टर। ये शादी की बात भी इनके सही होने का अच्छा मौका हो सकती है, इसलिए आप इस शादी को ना आगे बढ़ाओ ना ही रोको, ठीक है? आप आराम से जाकर सो जाइए, और हाँ हर एक घंटे बाद ड्रिप्स चेक कर लेना, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। मैं लेकर चलता हूँ डॉक्टर जी। हाँ इसका ध्यान, ठीक है नाना जी, मैं चलता हूँ।
हेलो ब्रदर, व्हाट इज हैपनिंग? बोलो ब्रदर, यहाँ पर मैं लोकल कॉल ट्राई कर रहा हूँ और ये एसटीडी है। फिर मैं आईएसटी ट्राई कर लेता हूँ। मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। देखा ना? देखो तो क्या कर रहे हैं ये सब, क्या चल रहा है यहाँ? रिहर्सल। देखो हर चीज का एक सही समय होता है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या है? पैंट उतारो। क्या कह रही है? मेरा मतलब है वो मुहूर्त का समय हो रहा है, जल्दी से कपड़े बदल कर मंडप में आ जाओ। इस मेंटल हॉस्पिटल से बचकर मुंबई नहीं जा पा रहे, हाथ में पैसे भी तो नहीं है। बॉस, हमारे पैसे लेने वाले यही लोग हैं। हमसे पैसे मार कर कार ले ली इन्होंने। इन्हें पकड़ा तो अपने पैसे हाथ में आ जाएंगे। पकड़ो इन्हें। चलो चलो। मेरी बेटी को कुछ खिलाया या नहीं? उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी बेटी है उसमें, निकाल उसे। रुक रुक, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी आओ, पीछा करो उसका। चलो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अरे संभल कर गिफ्ट मत गिरा देना। चलो ठीक है। टकले। हाँ बोलिए। ये सारा सामान संभाल कर ले जा। हाँ, जल्दी कर, जल्दी। समझ गया। हो रहा, पकड़ो उसे। क्या बात है, मेरा इनविटेशन क्या है? फ्री में खाना है क्या? ठीक है, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। कौन है भाई? तुम कौन हो भाई? अपरिचित भाई, थोड़ा घूंघट तो हटाओ। तुम यहाँ कैसे? चल मेरे पैसे दे। कौन से पैसे? किसी की शादी हो रही है पापा। तेरा अपहरण करने की कोशिश की ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। चला जा, मैं बताता हूँ। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भाई, मुझे मेरे पैसे दे दे भाई। मैं भी तेरे पैरों पे गिर के करता हूँ। कौन से पैसे भाई? चल हट। पापा, ये वही आदमी है जो मुझे उठा कर लेके आया। सुन भाई, मुझे मेरे पैसे दे दे, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो यार, उसका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। वो बालों के अंदर है। बालों के अंदर है। ए, जाओ जल्दी पकड़ो उसे। मार डालूंगा। वो अपरिचित कहाँ गया? छोड़ो मत उसे। मारो। वेट वेट वेट, शर्ट पे हाथ मत डालो। तुम्हें फाइट करनी है ना, तो इनसे कर लो। पापा, पापा, मैंने, पापा, मैंने, मैंने जीवा को देखा, आपका दामाद। देखिए ना पापा। दामाद? अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम? अरे सिंघम, मेरा ससुर, तू उनसे भाग क्यों रहे हो? अरे मेरा गांव वाला ससुर आ गया है, मुझे शादी करने के लिए कहेगा। अरे तो यहाँ फाइट। उसको छोड़ दो, अब इसको जीवा को पकड़ो। रुको रुको रुको, कोई आगे नहीं जाएगा। अरे यहाँ तो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। ये लोग यहाँ आए, दबाए और चले गए, कमर तोड़ दी। अरे सिंघम को मत मारो, वो मर गए तो मेरे पैसे चले जाएंगे। रुक रुक, ये क्या? मैं यहाँ खुद छुपा हुआ हूँ, तुम लोग यहाँ? मैं चला रहा हूँ क्या? लड़ाई वहाँ हो रही है, वहाँ जाओ। मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ। बुजुर्ग आदमी हो, दिखने में तो एकदम हट्टे कट्टे लग रहे हो। मुझे तो तुम्हारी दाढ़ी पे शक हो रहा है। शक हो रहा है, देखेगा। हाँ। ये ले देख। स्टॉप 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 मिस्टर अपरिचित,
वेट, इन पैसों के लिए ही फाइट कर रहे हो ना, टेक इट एंड गेट आउट। अगर इसे पहले ही दे दिया होता तो इतना झगड़ा नहीं पड़ता। इसीलिए दे रही है। बॉस, स्टॉप द फाइट। या प्लीज गो। थैंक यू वेरी मच। जीवा जीवा, मेरे दामाद को मारता है। पकड़ो जीवा को, पकड़ो, इसे जाने मत देना। अरे सरपंच जी, ये मुझसे बहुत छोटी है, मुझे इसे जाने मत देना। सुनना बात तो समझिए। अरे बिठाओ इसे मंडप में। छोड़ो। अरे कौन हो तुम लोग, मेरे नाती को कहाँ ले जा रहे हो? नाती? अरे बाप रे, ये तो मेरा दामाद है। इसके बाप ने मुझसे पैसे लेकर उसके बदले मेरी फूल से नाजुक सुंदर बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करवाने का वादा किया था, इसलिए शादी होकर रहेगी। इसलिए तुम बीच में टांग मत रहो। ए, चल रहे फेरे शुरू कर। नो, नेवर, ये शादी में नहीं होने दूंगा। अब तू कौन अटप करे बीच में बुढ़े? किसको बुढ़ा बोल रहा है? ये तो वीर है। मैं हूँ यहाँ, तुम हो कहाँ? उसके पास मेरी प्यारी, मेरी डांस। आ गई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? तूने उल्टी क्यों की? ये उल्टी नहीं है साहब, ये मेरा वंश है। क्या पक रहा है तू? हरिद्वार की पहाड़ी पर जब ट्रक चला, क्या कहा तूने? मैंने ना ना बहुत कहा, लेकिन ये चाहिए चाहिए बोल रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बच्ची जिद कर रही है तो मैं धीरे से शुरू हो गया। इसने हमला कर दिया। पापा, मैंने एक हेयर पिन मांगा तो इन्होंने बहुत हैरान किया। ये पाप है, पाप है। पाप नहीं पापा, ये अच्छा है। गिर नहीं जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। मैंने तेरे लिए एक हट्टा कट्टा तगड़ा दूल्हा देखा था, लेकिन अब तो इस सूखी हड्डी को मेरा दामाद बता रही है। हाँ, किस्मत के आगे किसकी चलती है? ऐसा गंभीर दामाद चाहिए तो झुकना पड़ेगा। साहब जी, जीवा को आपने अपना नाती कहा है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बस मेरी बेटी को नहीं मिल पाया उसी बात का दुख है। कोई बात नहीं, अपनी पोती की शादी उससे करवा दीजिए, मैं चलता हूँ। बेटी और दामाद जी, चलो आओ जल्दी, गाड़ी में चलते हैं, चलो आओ। मैं अपने दोस्त की शादी देखे बिना नहीं जाऊंगा। उठा के ले आओ इसे। तुम दोनों ने मिलकर मंदिर जैसे मेरे इस घर का सत्यानाश कर दिया। मेरी आंखों के सामने खड़े मत रहो, चले जाओ यहाँ से। नाना जी, मेरी बात सुनिए, मैं गुंडा हूँ, सड़क छाप, मुझे जाने को कहो, मैं चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जीवा सोना है। अगर आज आपकी बेटी भाग्यलक्ष्मी जिंदा है तो उसका कारण ये जीवा ही है। अगर उस दिन जीवा ने उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो वो आपको कभी नहीं मिलती। नाना जी, मैं भाग्यलक्ष्मी जी का बेटा नहीं हूं, ये बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन नाना जी परिस्थितियां कुछ। ब्रदर, सच बताने का समय आ गया है, मुझे यहाँ लेकर आया गया आपकी बेटी और जीवा का खून करने के लिए। और आपको पता है ये काम किसका है? आपके बड़े भाई के और छोटे भाई के बेटों का। लेकिन मैं यहाँ खून करने के लिए नहीं आया, मैं तो उन पैसों के लिए आया था। हमने सोचा कि आपकी बेटी को होश आ जाए तो हम उन्हें सारा सच बताकर यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन अचानक आप लोगों ने शादी की तैयारी कर दी। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मेरा दिल नहीं मानने वाला। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ किसी को धोखा देने के इरादे से नहीं आया था। मेरा भरोसा करो प्लीज। अभी चाहे जो कुछ हो, मैंने जो किया वो गलत था, माफ कर देना मुझे। सब क्यों हुआ बेटी? मैंने किसके साथ गलत किया था? शांत हो जाइए। वो लड़का जीवा मेरा नाती बनकर आया था, मैंने भी भरोसा किया, मुझे झूठा प्यार दिखाकर वो जीवा धोखा देकर चला गया। लेकिन अब तो वो चले गए ना, अब क्यों? लेकिन मेरी पोतियों को तो उनसे धोखा हुआ ना, दिल से बद्दुआ देता हूँ, वो कभी सुखी नहीं रहेंगे।
जीवा बेटी, जीवा 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 बरसो, खूब जमकर बरसो, इस होटल में कोई ना आए, बरसो बरसो बरसो, तुम बरसते ही रहो। मैं एक छोटे से ठेले पर इडली की दुकान लगा कर कितना खुश था, इन लोगों ने जिद करके मुझसे ये होटल खुलवा दिया और बोला कि बहुत कमाई होगी। मैंने कर्जा लेकर कितनी मुश्किल से ये होटल खोला, तो यहाँ सिर्फ मक्खी और मच्छर घूम रहे हैं, उनको थोड़ा कम किया तो ये बारिश आ रही है। लगता है कि मेरे साथ साथ होटल भी डूब जाएगा। अकेला क्यों बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, मेंटल है, पागल। खूब जमकर खाओ लेबर लोग, जब सारा खाना खत्म हो जाएगा तो होटल बंद करके घर चले जाना। फोकट ये कहे कि एक महीने से बैठे बैठे खा रहे हैं। ये लाइन से गाड़ियां क्यों आ रही हैं? मेरे होटल में ही आ रहे हैं क्या? हाँ, ये मेरे होटल में ही आ रहे हैं। ए, 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 खाना बंद करो, खाना बंद करो, कस्टमर लोग आ रहे हैं, सब लोग इधर आओ, खाना बंद करो, खाना बंद करो। ये लोग यहाँ क्या करने आ गए? साहब देखिए, जो भी हो सिर्फ बात से सुलझा लीजिए, ये होटल मैंने कर्जा लेकर शुरू किया है, मारपीट करके तोड़फोड़ मत कीजिए। ठीक है, शादी की तारीख तय कर दी है, चलो तुम लोग घर चलो। अभी आया दादाजी। आ जाओ दादाजी। क्या हुआ, फोटो लेने आए हो? ठीक है। नाना, ये मूंछ इतनी काली क्यों है? डाई है क्या? शादी तो पक्की है ना? हाँ, बिल्कुल पक्की है भाई, बिल्कुल दिख नहीं रही है। अब तो सेटल हो गया ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ। हाँ आओ जी, आओ जी। वहाँ खड़ी रहोगी तो हम गले किसे लगाएंगे? वीर को के लिए तो मैं हूँ ना। कौन है भाई? मैं तुम्हारे गांव का हूँ, महेश नाम है मेरा। गांव में मेरा एक छोटा पंगा हो गया, इसलिए मैं आपके पास रहने आया हूँ। कैसा पंगा? दो खून कर चुका हूँ मैं, भरोसा नहीं।